نحمده نصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين رب زدني علما اللهم فكهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافيا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين سُمَّى آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرى كتاب الزكاة زكاة كا بيان زكاة حكم خدا ہے फरीजाए दीन है दीन का रुकन और दीन का सतून है और ये बात मैंने नमाज के हवाले से भी बयान की थी कि सतून के बगैर इमारत तामीर नहीं होती जक़ात की अदायगी के बग़ैर दीन इस्लाम के सतून की तामीर के बगैर आमाल साल की इमारत तामीर नहीं होगी जब आमाले साल की इमारत और दीन की इमारत तामीर न हुई तो जन्नत के घर में दाखिला मुमकिन नहीं होगा अल्लाह सुबहाना कुरान में सलाता व आतो जकता दोनों का मिलाकर कर हुक्म सत्तर दफा दिया जक़ात हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत जो साहिब निसाब है निसाब का मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ थिंग जिसके ऊपर जकआत वाजिब है उस चीज़ की एक मिनिमम अमाउंट जो साहिब निसाब है उस पर जकवात फर्ज है आकिल मतलब वो जी होश है कोई शख्स पागल है जहनी तोजुन दुरुस्त नहीं है उसके होश दुरुस्त नहीं है या वो अभी नाबालिग हैं तो उस पर ज़कवा़त की फर्जीयत नहीं है मर्द और औरत जो साहिब माल हैं जो असल मालिक हैं उन पर ज़क़त की फर्जीत है ख़वात अगर अपने सोने चांदी की मालिक हैं तो उन पर जकवात फर्ज है अगर उनके शौहर उनके भाई बेटे जकवात दे रहे हैं तो वह एहसान कर रहे हैं लेकिन अगर वह नहीं दे रहे तो असल फर्ज उस खातून पर है जो मालिक है और मलकियत का तयन ऐसे है कि उस शख्स के पास उसको लेने देने खरीदने बेचने का इख्तियार और मजाज हो और वो चीज उसके मलकियत और उसके कब्जे में हो तो फिर वो मलकियत है निसाब के बराबर अगर चीज एक साल तक रही तो उस पर जक़ात फर्ज है जक़ात की फर्जियत कुरान में अल्लाह सुबहाना तला ने मुतफरक मौकों पर यह हुक्म दिया

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان کے کوئی خوف ان کے کوئی غم نہیں ہے ان, ان کا عجر اور سورة حامیم السجدہ میں کیٹیگوریکلی اللہ نے اعلان فرما دیا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے حلاقت ہے بربادی ہے ان مشرکوں کے لئے. जो क्या करते हैं ला योतू न जक़ाता वो जक़ात नहीं देते और वो आखरत का इनकार करते गोया आए चूंकि मक्की सूरत की आयत है सूरह हामीम सजदा की तो अक्सर मुफसर कुरान की राय यह है कि ज़कात का हुक्म जो है वो तो मक्की दौर ही में आ चुका था लेकिन ज़कात का निज़ाम जो है वो मदनी दौर में हिजत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है उसको कायम किया गया जक़ात का रूट वर्ड जाकाफिया तजकिया इसी से है इसका मतलब दो मानी है जक़ात के एक तो मतलब पाक करना साफ करना सुथरा करना तजकिया इसी से है और दूसरा मतलब नशो नुमा देना बढ़ाना चढ़ाना परवरिश करना टू ग्रो टू फ्लरिश पाक करने का मतलब अल्लाह सुबहाना ने कुरान में फरमाया कद अफलहा मनजाहा वद खौब मन तस्सा वो फलाह पा जाता है जो अपने नफ्स का तजकिया करता है अपने नफ्स को पाक करता है और वह नामुराद हो जाता है जो अपने नफ्स की गंदी आदतें और गलत बातों और रवैयों को दबा लेता है कद अफलहा मन तजा वज्मा रब्बी ही फलाह का नुस्खा जो है वह तजकिया में रख दिया गया और जकवात तजकिया का जरिया बनता है तो लिहाजा जकवात फलाह का नुस्खा है जक़ात तजकिया कैसे करती है जक़ात के साथ कैसे तजकिया कैसे तरबियत कैसे इस्लाह, कैसे करेक्शन होती है और रेडिकेशन होती है और कैसे फिर जक़ात अच्छे मामला और रवैयों में नशो नुमा करती है अल्लाह सुबहाना सूरह तौबा की आयत नंबर एक सौ तीन में अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर फरमाया खुज मिन नम्बाल तोहिर तो व हिम बिहा कि आप इनके मालों में से सदकात ले लें आप इन सदकात के जरिए उनको पाक करेंगे और उनका तस्किया करेंगे गोया सदका जो माल अल्लाह की राम में सच्चे दिल से सच्चा मोमिन खर्च करता है वो फर्ज सदका जकवात है और नफल सदका उसके बियॉन्ड है तो ये सदकात और अल्लाह की राम में खर्च किया हुआ माल पाकि और तजकिया का जरिया बनता है कैसे सबसे पहली बात तो ये जक़ात की अदायगी के बाद माल पाक हो जाता है आगे जाके मैं वो आयत का तस्करा करूंगी अल्लाह व तआला ने सूरह तौबा में फरमाया ना वला फ़ी सबीलिल्लाह वो जो सोने चांदी के ढेर कंस करते हैं जमा करते हैं और खर्च नहीं करते उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो तो वो माल जिस पर अल्लाह का हक और सदका खैरात और जक़ात अदा नहीं होती वो कंस है जब जक़ात अदा हो जाती है तो वो माल कंज नहीं रहता वो माल साफ हो जाता है वो माल हलाल और जायज हो जाता है वो माल कंज नहीं रहता और सिर्फ ये जक़ात माल को साफ नहीं करती वो साहेब माल के तजिया का उससे बढ़ के जरिया बनती है ये खर्च किया हुआ माल ये जक़ात साहेब माल के दिल को माल की मोहब्बत से साफ करती है इन्ना शदीत जो अल्लाह सुबहाना तुरायात ने, ने फरमाया कि तुम्हारा मसा ये कि तुम्हारे दिलों में माल की मोहब्बत बहुत ज्यादा है एक और जगह अल्लाह ने फरमाया व माल तो जम्मा ये माल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में रच बस गई है ये माल का फितना जब इंसान अल्लाह की राह में लिल्ला फिला सदका खैरात जक़ात खर्च करता है तो दिल में से माल की मोहब्बत निकलती है ये तज़किया का जरिया बनता है खुब्बे दुनिया खुब माल निकलती है दिल साफ हो जाता है और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत के लिए खाली हो जाता है दुनिया के फिक्रों से आजाद हो जाता है फिर सिर्फ माल की मोहब्बत नहीं निकलती हिरस हवस तमा लालच बुखल ये सारे जो मनी रिलेटेड इशूज हैं लास्ट ऑफ मनी रिलेटेड इशूज हैं यह सब सदका और खैरात और जकवात के साथ ये दिल से जाते रहते हैं और फिर इसके साथ साथ जब जकवात निकलती है सदका खैरात निकलता है तो दिल साहेब माल के दिल में से तकबुर निकलता है घुमंड गुरूर फखर निकलता है और फिर उसके रवैयों की असलाह होती है उसके रवैयों का तस्करिया होता है रिया दिखावा नमूदों नुमाइश इसराफ तबजीर उसके माहौल उसके घर के अंदर हराम महफिलें बेहयाई फाशी और जिनाकारी हराम महफिलें शराब नोशी जुआ लिल्ला फिल्ला जब माल खर्च होता है तो माल पाक होता है माल वाले साहिब माल का दिल पाक होता है उसके रवैयों अंदर इसलाह आती है वो पाक होते हैं उसके घर का माहौल उसकी महफिलें उसकी सोबतें पाक हो जाती ये है तो ये है तो सदका के साथ और फिर ये और ये अच्छी चीजों की नशो नुमा करते हैं हिरस हवस तमा लालच बुखल रियात तकबर इसराफ नमूदो नुमाइश यह सब निकलता है आजी इंकसारी सादगी तो ईसार अखलास खबरगीरी दिल की नरमी फिक्र आखरत तो तवक्क, कनात शुक्र ये सारे पॉजिटिव जज्बात जो हैं वो दिल में बढ़ने लगते हैं वो जो आपने फरमाया ना कि जिसम का एक टुकड़ा है जब तक वो ठीक रहे सारा जिसम ठीक रहता है और वो खराब हो जाए तो सारा जिसम खराब हो जाता है तो ये सदका और खैरात दिल की सफाई करके गंदे जज्बात निकाल कर गंदे रवैये और अंदाज निकालकर अच्छे जज्बात की नशोनुमा करते हैं एक दूसरे की फिक्र एक दूसरे की खबरगिरी दिल की नरमी पैदा होती है ईसार और सेक्रीफाइस के जज्बात पैदा होते हैं और फिर बाहमी मोहब्बतें बढ़ती हैं अल्लाह सुबहाना ताला ने चौथे सिपारे की पहली आयत में क्या फरमाया था तुम नेक नहीं बन सकते वसी पैमाने पर एक्सटेंसिव वाइड स्प्रेड लेवल पर नेकी नहीं कर सकते छोटी मोटी नेकियां तो शायद कर लोगे लेकिन अगर चाहते हो कि वाइड स्प्रेड एक्सटेंसिव लेवल पर नैकियां करो तो तुम नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी दिलपस महबूब चीजें ना खर्च करो क्या क्या रिलेशनशिप है इनफाक का और बिर और नेकी का जब अल्लाह की राह में कोई शख्स खर्च करता है तो उसका हाथ उसकी जेब में जाता है उसकी तजोरी में जाता है जाहिरतन लग रहा होता है कि उसका माल निकल रहा है लेकिन माल के साथ साथ वो माल निकालने वाला हाथ दिल से माल की मोहब्बत निकाल रहा होता है वो माल की मोहब्बत निकलती है माल खाली दिल खाली होता है वो दिल के अंदर स्पेस होती है अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ये सारे मुझ मुझे जज्बात जिंदगी में आ जाते हैं उसके रवैयों की असलाह होती है उसमें सादगी आ जाती है उसमें आजी आ जाती है हर हम महफिलों से बच जाता है हर सोबतों से बच जाता है तो ये वो तरीका कार है कि जक़ात और सदकात की अदायगी के साथ जो माशरे का ऊपर वाला मालदार तबका है उसकी उसका तजकिया और उसकी असलाह होती है और फिर ये ऊपर वाला तबका अल्लाह की मोहब्बत में लिल्ला फिला अल्लाह से जन्नत के घर का सौदा करने के लिए रजाए इलाही के लिए जब वो माल खर्च करता है तो ये माल फ्लो करके नीचे वाले तबके की तरफ आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ सर्क्यूलेशन ऑफ वेल्थ ये जो इस्लामी माशी निज़ाम का असल मोरा है ना कईला यकूना दूलतबीना लगनिया मिनकुम के माल मालदारों के हाथ में कैद ना हो जाए माल मालदार 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 और गरीब और गरीब ना हो जाए तो ये ज़क़ात और सदक़ की वजह से डिसेंट्राइजेशन होती है और जब माल नीचे वाले तबके के पास आता है तो नीचे वाले तबके की जरूरतें हाजतें उनके भूख भूख की पेट जो है वो बुझ जाती है उनके चूल्हे जो है वो जल जाते हैं बीमारों को दवा मिलती है बेलिबासों को लिबास मिलता है ज़रूरतमंदों की हाजतें पूरी होती हैं और वो माशरे के अंदर डिप्राइव तबका जब डिप्राइव्ड रहना था उसने तो उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन और जो हॉस्टिलिटी पैदा होनी थी और फिर जो उसने लूट मार रहजनी डकेती जिनाकारी खुद सोजी अपनी खुदकुशियां करके माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करना था वो माशरे का माहौल उसकी असलाह हो जाती माशरे का तस्किया हो जाता है माशरा पाक साफ हो जाता है इन फितने फसाद रहजनी और डकेतियों से और फिर सबसे बढ़ के जो एक बहुत खूबसूरत चीज जो नशो नुमा पाती है वो ऊपर वाले और नीचे वाले तबके के दरम्यान मोहब्बत है अल्लाफा बीना क्लूब हम बहमी अखूवत वो जो इन्होंने इनके चूल्हे जलाए वो जो इन्होंने इनकी पेटों की भूख मिटाई वो जो इन इन्होंने इनको बीमारी के लिए दवाएं फराहम की इनके बच्चों को किताबें लेके दी इनके बेलिबासों को लिबास पहनाए ये आपस में उस खबरगिरी की वजह से आनत की वजह से मोहब्बत वो सीमेंटिंग बॉन्ड डेवलप हो जाता है उम्मत मुस्लिम के अफराद के दरमियान और फिर माशरे के अंदर मुसलमान बुनिया मरसूस बन जाते हैं सारे के सारी बरक़ात फयूज है ज़क़ात की अदायगी की इस्लामी माशी निज़ाम इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम ये रिवॉल्व करता है अराउंड सदकातन खैरातन जक़ात ये जकवात एक इस्लामी माशरे के माशी निज़ाम और इकनॉमिक सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है उसकी बुनियादी अहमियत का हामिल और उसी के गिरद सांचा और ताना बाना घूमता इस्लामी माशी निजाम का जक़ात के हवाले से एक तो मैंने आपको यह बता दिया कि जक़ात की फर्जियत कुरान और हदीस से साबित है और फिर दोहरा लीजिए हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर निशाब अगर साल के पूरे साल के दौरान ही निसाब के बराबर माल उसके पास रहे तो फिर खास शरा से जकवात उस पर वाजिब अदा और फर्ज हो जाती है निसाब क्या है बेसिक अगर टर्मिनोलॉजीज में आपको आपको शुरू में इब्तद में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जकवात की अदायगी का वो मैं अब इस फजीलत और बरकत के बाद बता दूं और फिर उसके बाद हम हदीस पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह समझ आती जाएगी निसाब उस माल को कहते हैं वो बेयर मिनिमम कट ऑफ वैल्यू जिसके बियॉन्ड जब माल या कोई चीज एक्सीड कर जाती है तो वो कजा कजाबाजिबुल अदा हो जाती है उस बेर मिनिमम कट ऑफ लेवल ऑफ पोजेशन को निसाब कहा जाता है शरा इज द परसेंटेज जिसके साथ वो जक़ात अदा करनी है वह ढाई फीसद है पांच फीसद है दस फीसद है, बीस फीसद है वह फिर अब आगे मैं भी आपको बताती चली जाऊंगी सबसे पहले सोने चांदी की जकत सोने और चांदी के हवाले से निसाब सोने का निसाब साढ़े सात तोले सोना है और इस साढ़े सात तोले सोने से अगर कोई एक ग्राम या एक रत्ती माशा भी ज्यादा होगा तो फिर जक़ात फर्ज होगी और फिर सिर्फ उस पर नहीं जितना ज्यादा है उस पर नहीं फिर सारे माल पर क्योंकि अब इनकम स्लैब हाई हो गया है ना फिर सारे के सारे सोने के ऊपर ज़कात होगी और ये साढ़े सात तोले अगर आज ग्राम्स की शक्ल में कन्वर्ट करें तो वो 87 सेवन ग्राम्स बनता है अलबत्ता आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो कहीं एटी फाइव कहीं नाइन्टी ग्राम्स भी बताया जाएगा ये जो गोल्ड की कैरेट्स में फर्क होता है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड्स में और उसकी तेजाबियत में फर्क होता है उसकी वजह से ग्रामेज में फर्क है लेकिन जनरली आप एटी सेवन ग्राम्स को एक स्टैंडर्ड निसाब बना लीजिए चांदी का निसाब जो है वो बावन तोले चांदी है वो छह सौ बारह ग्राम बनती है और अमूमन वो छ सौ दस से छह सौ पंद्रह डिपेंडिंग अपॉन द प्योरिटी ऑफ सिल्वर जो है वो ये वेट का फर्क है लेकिन जनरली आप इसको छह सौ बारह ग्राम ही कंसिडर कर लीजिए और ये कि बहुत से लोगों का ये तस्वुर के पूछ सवाल आता है कि सोने और चांदी की जक़त का का हुक्म कहां से निकलता है और कैसे पता चलता है कि अल्लाह सुबहाना ने इसको फर्ज किया कुरान में आये जो मैंने भी आपको सुनाई वन वला हाफी वो जो सोने चांदी के ढेर जमा करते हैं और अल्लाह की राम खर्च नहीं करते उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो कुरान की इस आयत सूर तोबा की आयत नंबर थर्टी फोर से सोने और चांदी की जो जक़ात है उसका जवाब निकलता है लेकिन सही अहादीस आप बुखारी में भी पड़ेंगी और फिर अल्लाह के रसूल वसल्लम ने जकवात की शरा बताई है आप वसल्लम ने सोने और चांदी के जकवात का निसाब भी बताया सही अहादी से और फिर उसकी शराह भी बताई है। और शरा जो और निसाब जो बताया गया है वो दिरहम और दीनार का हवाला देकर बताया गया दीनार सोने का सिक्का और सोने का ये वो सिक्का है जो हम देखते हैं कि ये बनू उमैया के दौर में खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान के दौर में यह बनाया गया था और एक मिसकाल के ये बराबर है और एक मिसकाल का वजन जो एक दीनार का है वो आज 4.25 ग्राम ग्राम्स सोने के बराबर है और अगर हम दिरहम देखें तो दिरहम चांदी का सिक्का है और यह भी बनु मैया के दौर में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये दीनार को स्टैंडर्डाइज जब किया गया था तो एक मिसकाल जो दीनार का वजन रखा गया था वो 2.9 पॉइंट ग्राम्स के बराबर है आज के दौर के मुताबिक तो सोने की जो जक़ात है उसका जवाब इब्न माजा में सही हदीस हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह और हजरत आयशा रजी अन्हा की रवायत से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीस दिनार पर आधा दिनार ये सोने की जक़ात है क्योंकि दिनार गोल्ड का कॉइन है हर बीस दिनार पर आधा दिनार और हर चालीस दिनार पर एक दीनार जक़ात वाजिब है कोया गोल्ड में चालीसवां हिस्सा 2.5 परसेंट यानी सौ के पीछे ढाई फीसद जो है वो जक़ात दी जाएगी इसी तरह चांदी के हवाले से हजरत अली रजी रवायत से अबू दाऊद में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चालीस का चालीसवां हिस्सा उसकी जक़ात है चांदी का चालीसवां हिस्सा उसकी जक़ात है और चार चालीस दिरखम पर एक दरखम जक़ात है जब 200 सौ से बढ़ जाए यानी इसका निसाब है जब 200 सौ से बढ़ जाए तो फिर पांच दिरहम अदा करो और इससे ज्यादा पर जक़ात का अंदाजा लगाकर वाजिब जक़ात अदा करो गोया इन दोनों सही अहदी से सोने और चांदी का निसाब भी पता चल रहा है और सोने और चांदी की शरा भी पता चल रही है कि अगर निसाब के बराबर सोना और निसाब के बराबर चांदी एक साल तक उस शख्स के पास रहती है तो फिर उसको उसका चालीसवां हिस्सा यानी ढाई फीसद के हिसाब से दिया जाएगा और आगे चलने से पहले यह मैं आपको वाजे तौर पर बताती जाऊं ये सेलेबल वेट ऑफ गोल्ड के ऊपर है यानी जो सोने का बिकाऊ वजन है जिस वजन पर सोना बिकेगा उस पर ये जकात दी जाएगी मसलन किसी के पास अगर 10 तोले या 12 तोले की चूड़ियां हैं तो उनका वजन खरीदते वक्त अगर बारह तोले था तो जब हम उनको बेचने जाएंगे तो शायद साढ़े दस तोले की ये बिकेंगी वो काट झाड़ जो निकाल लेते हैं उसकी तो फिर उसकी जकत जो अदा की जाएगी साढ़े तोले जब सेलेबल वेट ऑफ गोल्ड की जो कीमत है उस पर टू एंड हाफ परसेंट के हिसाब से इसका तयन करके इसको साल में एक दफा अदा किया जाएगा और जैसे मैंने आपको इब्तदा में बताया ये सोने चांदी का मालिक ही अदा करेगा जाती इस्तेमाल के सोने पर बात इंशाल्लाह अभी आगे होगी उसके बाद माल कैश वो किसी शक्ल में करेंसी है वो डॉलर्स हैं वो रूपीज हैं वो पाउंड्स हैं वो जिस भी शक्ल में है वो भी अगर निसाब से ज्यादा है सोने और चांदी का निसाब जिसकी कीमत निष्पतान कम है अगर माल उससे ज्यादा है वो कैश आपके पास घर में है वो आपके बैंक अकाउंट में आपके करंट अकाउंट में कहीं भी वो कैश एक साल से ज्यादा अगर उस नमत की से ज्यादा एक साल तक जिस शख्स के पास रहा उस पर भी ढाई के हिसाब से साल में एक दफा जकआत अदा की जाएगी इसके बाद जरई या एग्रीकल्चरल जक़ात जो खेती बाड़ी और फसलों पर दी जाती है इसका जवाब सूरह बकरा की आयत मिम्मा अखरजना लकुम मिनल मिनलर्स की उसमें से भी तुम खर्च करो जो ज़मीन से हम अल्लाह कहता है कि जो हम जमीन से तुम्हारे लिए निकालते हैं ये खेती बाड़ी की जो जवाज़ है उसकी आयत है और वैसे भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर की जक़ात किस दिन दी जाएगी याऊ माख फसल के कटने के दिन और हजरत अबू सईद खुदरी रवी तवायसे नजाई की सही खदीस है कि जब तक गल्ले की मकदार पांच वसक तक ना हो जाए उस पर जकवात वाजिब नहीं है पांच वसक आज के बीस मन या सात सौ पच्चीस किलोग्राम से ज्यादा है गोया अगर किसी फील्ड की ही सेवन ट्वेंटी फाइव किलोग्राम या बीस मन से ज्यादा हो तो फिर उशर यानी उस पर जरअी जक़ात वाजिब होगी कुरान और हदीस के हकम के हवाले से और हज़र अब्दुल्ला उमर रजी अल्लाह तआला की रिवायत से बुखारी में हदीस इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जमीन को बारिश पानी पिलाती है उसकी पैदावार पर दसवां हिस्सा है दसवां हिस्सा मतलब उशर और इसी की वजह से जरियी जकात को उशर कहा जाता है दसवां हिस्सा यानी टेन परसेंट या वन टेंथ हिस्सा ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो दे दिया जाएगा जिस दिन फसल कटती है और साथ ही हदीस में कि जिस जमीन को कुएं के जरिए पानी पिलाया जाता है जकत उशर यानी आधा उशर विच इज वॉट विच मीन वन ट्वेंटी दसवें हिस्से के पांच परसेंट दस परसेंट की बजाय पांच परसेंट तो जो बारानी जमीन है नेचुरली इरीगेटेड जमीन है उसकी जकत दस फीसद है या दसवा हिस्सा है और जो आर्टिफिशियली इरीगेटेड कुएं उस जमाने में थे उस जमाने में और कुछ नहीं था कुएं हैं ट्यूबवेल्स हैं कारेजे हैं नहरें हैं जो भी आर्टिफिशियल इडिगेशन है क्योंकि ओवरहेड ज्यादा है तो उसकी जक़ात जो है वो फाइव परसेंट या बीसवा हिस्सा है ये जरअी जक़ात का तस्वुर है और जरअी जक़ात में फिर दोहरा दूं ये किस वक्त है याउमा हिस्सा ही जिस दिन फसल काटी जाती है उसी की शक्ल में दसवां हिस्सा या बीसवा हिस्सा दे दिया जाता है फसल साल में एक दफा कटेगी तो एक दफा दो दफा तीन दफा जितनी दफा फसल कटती है उतनी दफा ये वाकद जरअी जक़ात वाकद जक़ात है जो साल से एक से ज्यादा दफा देनी भी वाजिब होगी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोड्यूस एंड द ही्ड इसी तरह आपने खजूरों और अंगूरों पर भी जब वो खुश किया उनके वज़न पर आपने ज़क़त दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुल्ल बिन उमर रजी अल्लाह तआला की तवाय से कि आपने शहद पर भी जकूत दी रिकाज़ यानी जो मुत्तफिक अलैह हदीस से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की रवायत से कि जो दफन शुदा ख़जाने हैं जब वो निकलते हैं तो उस पर बीस फीसद ज़क़त जो है वो वाजिब होती है और जो कान है कान के हवाले से अल्फाज आते हैं कि मादन और कान पर भी जकआत वाजिब है। उसके बाद हमारे प्रैक्टिकली जो ट्रेड है और जो बिज़नेस है और जो इंडस्ट्री है सनत और तिजारत के ऊपर भी जक़ात है और कुरान में हाँ जो आयत सूरा बकरा में मैंने ऊपर ज़रअी जक़ात के लिए दी उसमें अला सुबहाना पहले फरमाया मिम्मा कसब तुम जब तुम अपने हाथों से कमाते हो तो सूरा बकरा में वो आयत जिसमें मिम्मा कसब तुम का तस्करा है वो जवाज़ फ़राहम करती है ज़री तजारती जकवात की और सनती जकवात की और अगर हम वाकिया देखें तो आ, बहीकी में हजरत अबू अमर बिन हमास रजी अल्लाह की तवायत से वाक़ वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने रवायत की कि मैं तीरों के तीर कश तरकश बेचता था और हजरत उमर रजी अल्लाह मेरे करीब से गुजरे और उन्होंने कहा क्या इसकी जकवात अदा करो तो कहते हैं कि मेरे वालद कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि ये तो चमड़े के बने हुए हैं तो उन्होंने कहा कि कीमत का अंदाज़ा लगाओ और इसकी जक़त अदा करो गोया जो तजारती ज़क़त है और जो सनती जक़त है उसका तस्वुर इसी हदीस से भी साबित है और वैसे भी हयात तैयबा से वाकत से साबित है तो तजारती यानी बिजनेस पर जकवात का तस्वर क्या है इनफेक्ट दोनों जो बिजनेस और जो इंडस्ट्रियल zakat, सनती जक़ात है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर आपको बता दूं तो जो मिले, पैदावार हैं जो जनरेटिंग एजेंसीज हैं जो फिक्स्ड एसिड्स हैं उनकी कीमत पर जक़ात नहीं है उनकी मालियत पर जकात नहीं है सिर्फ जो सेलेबल गुड्स हैं जो फरोख्तनी अशिया हैं, उनके ऊपर जकात है मैं आपको मिसाल देकर समझाऊं कि एक शख्स का बहुत बड़ा सा एक प्लाजा एक बहुत बड़ी शहर की मेन रोड के ऊपर है तो उसके प्लॉट की कीमत चाहे करोड़ों में अरबों में है उसके ऊपर जक़ात नहीं है उसकी बिल्डिंग चाहे बहुत महंगी बनी हुई है मल्टी स्टोरीड प्लाजा है उस बिल्डिंग के ऊपर जक़ात नहीं है उस बिल्डिंग की फर्निशिंग और फर्नीचर के ऊपर जक़ात नहीं है सिर्फ वो जो सेलेबल गुड्स वहां पे पड़े हैं उनकी कीमत पर जक़ात है एंड सिमिलर होल्स ट्रू फॉर एन इंडस्ट्री और अ फैक्ट्री फैक्ट्री की किसी चीज पर चाहे करोड़ों का उसका प्लॉट है बहुत महंगी मालियत की उसकी बिल्डिंग है उसकी उसकी जो मशीनरी है उसका जो खाम माल रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है किसी चीज पर जक़ात नहीं है बिजनेस में भी तजारत में भी और इंडस्ट्री और सनत में भी सिर्फ जो सेलेबल गुड्स और फरोख्तनी अशियाएं उनका जिस साल के जिस वक्त में ज़कात की अदायगी का इरादा है उस वक्त जो मटीरियल वहां पर सेलेबल गुड्स पड़े हुए हैं उनकी कीमत का उनकी सेल प्राइस का अंदाजा लगाकर अगर वो सोने और चांदी में से जिसके नसाब की कीमत कम है अगर वो सेलेबल गुड्स की कीमत उस की कीमत से ज्यादा है तो उसकी सेलेबल कीमत पर ढाई फीसद के हिसाब से जक़ात अदा की जाएगी इसी तरह जानवरों पर पता चलता है कि चार ऊँटों से ज्यादा हैं, गाय तीस से ज्यादा है बकरियाँ चालीस से ज्यादा इंशाल्लाह महदीस पढ़ेंगे तो उन पर जक़ात बाजिबुल अदा होगी बशरते के वो जाती इस्तेमाल के लिए नहीं कारोबारी अगर आज मकासद के लिए लिए गए तो उन पर ज़कात वाजिब अदा होगी प्लॉटों पर और रियल इस्टेट के बिजनेस पर ज़कात की अदायगी का अंदाज़ की नज़र से आ, दो आराम मौजूद हैं जो सख्ती की राय है वो राय इस हवाले से कंसिडर की जाती है कि यह एक फ़रोख्तनी चीज़ है अगर फरोख्तनी चीज़ समझ करके इसकी जकवात अदा की जाएगी तो सेलेबल कमोडिटी के हवाले से फिर उसकी सेल प्राइस पर हर साल उस उसकी जकवात अदा करना कुछ उलुमा कराम के नजदीक जो है वो जरूरी होगी ये मैं बताती चलूँ कि प्लॉट वो जो जी इस्तेमाल के लिए अपने अपने औलादों अपने, अपने पोते पोती और नवासों किसी के भी घर के लिए अगर खरीदे गए हैं या अपने कारोबार के लिए खरीदे गए हैं तो उस पर जक़ात नहीं होगी वो सिर्फ प्लॉट जो रियल इस्टेट के प्वाइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट के प्वाइंट ऑफ व्यू से बिजनेस सेल करके उस पर नफा लेने की नीयत से दिए गए उन प्लाटों के ऊपर जक़ात होगी पहली राय सख्ती की बता दी कि हर साल सेल प्राइस की कीमत के ऊपर कीमत असेस करके टू एंड हाफ परसेंट दिया जाएगा दूसरी राय जो कुरान की आयत जो जरअी जक़ात है यौमा स्वाद ही से जवाब निकालते हैं कि जिस दिन फसल करती है जरअी जक़ात उस दिन दी जाती है क्योंकि फार्मर के पास अमाउंट और कैश उस दिन अवेलेबल होता है तो सिमिलर होल्स ट्रू फॉर रियल इस्टेट तो रियल इस्टेट वाला बंदा जिस दिन अपना प्लॉट बेचेगा जिस दिन वो अपना प्लॉट बेचेगा उसकी सेल प्राइस की कीमत पर ढाई फीसद के हिसाब से वो उसकी फरोख्त के वक्त जक़ात अदा कर देगा ये सहूलत की राय बहरहाल मौजूद है क्योंकि पक्का बस अवकात ये होता है कि वो प्लॉट वगैरह पड़े होते हैं इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है पर रेडी कैश नहीं होता उसके जक़ात की अदायगी के लिए सोने के मालिक चांदी के मालिक या करेंसी के मालिक के पास तो रेडी कैश मौजूद होता है अगर सोने वाले के पास रेडी कैश नहीं है तो वो सोने की शक्ल में भी दे सकता है लेकिन जमीन का मालिक चूंकि जमीन की शक्ल में कजा बसा औकात लैंड होल्डिंग में से नहीं दे सकता तो ये नरमी की राय बहर कैफ मौजूद है तो ये आ, कुछ जक़तों के हवाले से और ये जकवात फिर दी किस को जाएगी सूरत तोबा की आयत नंबर सिक्सटी में अल्लाह सुबहाना ताला ने जकवात की मदात को बयान फरमाया फरमाया गया के बेशक सिर्फ इसमें कोई शक और शुबा नहीं के सदकात जो है जो माल लिल्ला फिल्ला खर्च किया जाएगा उसकी यही मदात है और इस आयत के एंड में चूंकि फरीद कहा गया है तो ये फर्ज सदका इन जक़ात की सदकात को सूरत तोबा की आयत नंबर सिक्सटी में बयान किया गया फकीर फकीर वो जिसकी माली तंगी ने फ़कर रीढ़ की हड्डी को कहते हैं कि उसकी कमर तोड़ दी है उसके माली तंगी ने वो हो सकता है कमा रहा है वो खा रहा है लेकिन वो इतना कमा और खा रहा है कि उसके पास उसकी बचत नहीं है वो अपनी बचत में अपनी किसी माली क्राइसिस या इकोनॉमिक कंडीशन को फेस नहीं कर सकता है मसलन ये कि हो सकता है उसकी बीवी -बी भी -बी कमा रही है घरों में काम करके पंद्रह बीस हजार ले रही है उसका शोहर भी बीस पच्चीस हजार ले रहा है लेकिन ताजा कमाते हैं ताजा खाते हैं कोई बचत नहीं है कोई इकोनॉमिक क्लैमिटी या क्राइसिस आता है कोई ऑपरेशन है कोई छत गिर गया कोई माशी मसला आ गया उसमें उनके पास कोई आ, माल नहीं है तो उनको जक़ात दी जा सकती है और फिर यह कि उनके पास जरूरी आते जिंदगी की चीजें भी हैं जरूरी आते जिंदगी का सामान भी है हो सकता है उनके घर में टीवी छोटा सा फ्रिज वॉशिंग मशीन भी है लेकिन डिस्पाइट दैट वो जरूरी आते जिंदगी को पूरा नहीं कर सकते कभी बच्चों के कपड़ों के पैसे नहीं कभी किसी की किताबों के पैसे नहीं कभी बीमार माँ की दवा के पैसे नहीं तो ये सब फकीर है और फिर वो जो एक माशे का जो मिडिल क्लास स्टैंडर्ड में से लो मिडिल क्लास स्टैंडर्ड के मुताबिक भी स्ट्राइव नहीं कर सकता है सरवाइव नहीं कर सकता है एक सरकारी अस्पताल में भी इलाज नहीं करवा सकता एक सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ाने की ताकत और सलाहियत नहीं रखता माली तौर पर तो ये भी फकीर है मस्कीन अगली कैटेगरी है मस्किन और फकीर में सिर्फ ये फर्क है कि मस्कीन जो है वो सफेद पोश है वो अपनी खुददारी की वजह से मांगता नहीं है फकीर मांग लेता है आमलीना अलह ज़कात कलेक्शन का डिपार्टमेंट उसके ओवरहेड्स और उसके आमलीन की तनख्वा के लिए भी फिर उसके बाद बलमआल्लाफ कलूब दूसरे अध्यान के दिलों में इस्लाम की उल्फट डालने के लिए ये वो चौथी मध है सूरत तोबा में ये सिर्फ एक इंतजामी सतह के ऊपर एक हकूमती सतह के ऊपर किया जाए कि इंडिविजुअल जो है वो क्रिश्चियंस को इस मुल्फाता क्लूब की मद से नहीं दे सकता व फिर रिकाब गर्दनों के आजाद कराने में गुलाम है या कैदी है उनके लिए वलआारमीन जिसको कोई चट्टी पड़ गई है कोई कर्ज पड़ गया कोई तावान पड़ गया और उस मकरूज को कर्ज के लिए जक़ात दी जा सकती है जिसने किसी जायज हलाल काम के लिए कर्ज लिया था किसी ने नशा करने के लिए किसी ने शराब पीने के लिए किसी ने गलत काम करने के लिए जक़ात कर्ज लिया था तो उस पर जक़ात नहीं दी जाएगी अगर जायज़ और हलाल काम के लिए कर्ज लिया है और फिर उस शख्स का अपना माल दे देने के बावजूद भी कर्ज बाकी रह जाता है और वो साहिब निसाब नहीं है तो फिर उसको जक़ात दी जा सकती है फीस सबीर से मुराद जो है वो दीन की अशात के लिए तबलीग के लिए जिहाद के लिए, लिए नफाज इस्लाम की सरगर्मियां मसाजिद नई तामीर होंगी जक़ात के साथ और मसाजि के अखराजात नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो अल्लाह का हक है ना ही मोहम्मद सल्लाहल और आले रसूल सलम को जक़त लगती है लेकिन फीसिल्ला से मुराद बाकी दीन की अशात तबलीग नफाज तालीम और दावत के सारे कामों में लगता है और मुसाफिर, मुसाफिर चाहे अपने इलाके और अपनी बस्ती के अंदर मालदार और गनी भी है लेकिन अगर सफर की मुश्कतों की वजह से वो माली तंगी और फख्र का शिकार हो गया तो उसको भी जक़त दी जा सकती है ये कुछ मदात है जक़त के हवाले से अब इनशाला इस बेसिक बुनियाद जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया इसके पस मंजर में जब हम अहदीस पढ़ते जाएंगे तो इनशाला बात आसानी से वाजे होती जाएगी बाब नंबर एक फलजियत जक़ात का बयान हदीस नंबर 702 सौ दो हज़रत इबन अब्बास रजी तवायतः के नबी सल्लाम ने हज़रत माज रजी अल्लाह तह को यमन रवाना किया तो फरमाया सबसे पहले एहले यमन को इस बात की दावत देना कि अल्लाह के अलावा कोई और मबूद बरखत नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं और अगर वो ये बात मान लें तो उनसे कहना कि अल्लाह तबोरोज में उनके लिए पांच नमाजें फर्ज कि और वह अगर इसको भी तस्म कर लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तर उन उनके माल का सदका भी फर्ज किया है जो उनके मालदारों से लिया जाएगा और उनके मोहताजों पर सर किया जाएगा गोया ये मदनी दौर की हदीस है और तकरीबन आखिरी दौर है मदनी पीरियड का अल्लाह के रसूल माज़ बिन जबल रजी को यमन का हाकिम बनाकर जब भेज रहे यकम का, यमन का हाकिम बनाकर भेजते वक्त आप फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वहाँ के लोगों को क्या बताया जाएगा और वहां पर नमाज और जक़ात का निजाम कैसे ईमान के बाद नाफि किया जाएगा असल में ये बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने मुख्तलिफ इलाकों के हाकमों को जो इंस्ट्रक्शन हैं, वो अल्लाह के कुरान के हुक्म के हवाले से हैं। है तआला ने कुरान में फरमाया है अज़ीना इन्ना मक्का ना हम फिलअर्ज़ अकामत सलाता व आतस ज़काता के वो लोग अल्लाह के महबूब पसंदीदा हाकिम और बंदे वो होते हैं कि जब अल्लाह उनको ज़मीन में ठिकाना दे हकूमत उदा इकतदार रसूख दे तो वह क्या करते हैं फिर नमाजें कायम करते हैं और जक़ात अदा करते हैं और अमर बिलमारूफ और नहीं अनिलकर यानी भलाइयों की ताक़द और बुराइयों से रोकते हैं ये इस्लामी रियासत और अल्लाह की सरजमीन पर अच्छे हाकमों के करने का काम है तो इसी हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो इलाकों में हाकिम भेजते थे उनको भी कुरान के अहकाम के मुताबिक वो की गाइडलाइन देकर भेजते थे गोया ये बात हमें समझने की तोहफी कता फरमाए कि ये जमीन अल्लाह की है और इस जमीन पर निजाम हाकिमों की मर्जी का नहीं अहमल हाकमी हाकिमों के हाकिम की मर्जी का निजाम उसकी जमीन पर नाफिज होगा ज़मीन अल्लाह की है इस पर अल्लाह का निज़ाम कुरान का निज़ाम कुरान आइन दस्तूर और कानून होगा जब ज़मीन अल्लाह की है तो इस पर सलात और आतुलज़क्ता का निज़ाम नाफिज होगा अल्लाबह हमें यह समझने की तोहफ़ी कता फ़रमा दे कि अल्लाह ज़मीन के हकमों से क्या तकाज़ा करता है अल्लाह हमें यह पहचानने की तोफ़ी कता फ़रमा दे कि मोहम्मद सल्ला वसम अपने दौर के हाकमों को क्या पैगाम सिखाते थे अल्लाह अल्ला वह अहकमुल हाकिमिन है अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तो तिल मुल्का منتशा व तनजील मुल्का में منتशा तू जिसे चाहता है हुकूमत देता है तू जिसे चाहता है हुकूमत छीन लेता है अल्लाह हमारी हुकूमतें ऐसों के हवाले करते जो सरजमीन पर तेरे हाकिमियत को कायम कर दें जो तेरे कुरान को अपना आईन अपना दस्तूर अपना निजाम कानून निजाम ए मान ले अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमा जो नमाज को कायम करने वाले और जो जक़ातों का निज़ाम नाफिज करने वाले बन जाए अल्लाह हमें ऐसों की पहचान और ऐसों को मुंतखब करने वाली कौम भी बना तो ये वो हुक्म है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तालीमत के मुताबिक देते थे और वैसे भी वो हदीस के अल्फाज है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे कुछ हुक्मरान होंगे जो तुम्हारे लिए महबूज होंगे तुम उनके लिए महबूज होगे मतलब है कि तुम्हें उन पर गुस्सा आएगा उनको तुम पर गुस्सा आएगा तुम उन पर लानत करोगे वो तुम पर लानत करेंगे तो साहबा ने फरमाया कि यह रसूल अल्लाह सल वसलम जब ऐसे हाकिम होंगे तो क्या हम उनसे जंग करें आपने फरमाया नहीं जब तक वो नमाज कायम करते रहें और Zakat नाफिज करते रहें यानी जब तक हाकिम अकीमु सलाता और आतो जकता का सिस्टम इम्प्लीमेंट करते रहेंगे रियासत में तो उनके खिलाफ बगावत नहीं है और उनके खिलाफ जंग नहीं है तो यही तस्वर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मायाज को भेजा यमन के लिए और फिर उसने जो बेसिक गाइडलाइंस दी थी उनको ईमानियात का तस्वर बताया था अकायद का तस्वर बताया था और इस्लाम के बुनियादी अरकान जो हैं उनका तस्वर कराने का तरीका सिखाया था ये वही है ना जो हदीस में आता है बुनीस््लामसिन इस्लाम इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गई है शहादत अला इस बात की गवाही के अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है वन्ना मोहम्मद और ये कि मोहम्मद महम्मद सल्हलम Allah के रसूल व अकामिस सलाता व इतई जकती व हजलबती व साउमी रमज़ान के नमाज कायम करे जक़ात अदा करे अल्लाह के घर का हज करे और नमाज और रोजे रखे तो ये वो कॉन्सेप्ट है बेसिक गाइडलाइंस हैं जो आपने इंस्ट्रक्ट करके हजरत माज को भेजा था और ये वो बुनियादी सिस्टम है जो हर इस्लामी रियासत में होना और नाफिज होना जरूरी है और इसे सदक़ की फर्जियत भी पता चलती है और अहमियत भी पता चलती है और यह पता चलता है कि हर इस्लामी रियासत में हाकिमों को अकीम सलाता के साथ आतु जक़ात यानी जकवात का निज़ाम नाफिज करना है इम्प्लीमेंट करना है और इंश्योर करना है कि इस्लामी रियासत के अंदर कि मुसलमान अपनी जकवातें अदा कर रहे हैं और आपने जक़ातों का फिर पूरा तरीका भी बताया कि मालदारों से ली जाएगी उसी इलाके के मालदारों से लेकर उस इलाके के गरीब तबके को दी जाएगी यानी किस से लेना है किस को देना है और फिर ये वही कॉन्सेप्ट होगा कि जब मालदारों से लेकर गरीब तबके को ली जाए, दी जाएगी तो क्या होगा माल गर्दिश करेगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ होगी सर्क्यूलेशन ऑफ वेल्थ होगी जो इस्लाम का तस्वर है कईला यकूना दूलत बल अग्निया मिन कुम के माल सिर्फ मालदारों के हाथ में ना रह हदीस नंबर सात सौ तीन हजरत अबू ऐब अंसारी रजी अल्लाह से तवायत है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज किया कि आप मुझे कोई ऐसा काम बताएं जो मुझे जन्नत में ले जाए लोगों ने कहा इससे क्या हो गया क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं नबी सल्ला वसलम ने फरमाया कुछ नहीं हुआ वो ज़रूरतमंद है किसका जन्नत में जाने का उसे कहने दो अच्छा सुनो अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ पाबंदी से नमाज पढ़ो जक़ात दो और रिश्तेसारों के साथ हुसन सलूक से पेश आओ इसी से मिलती जुलती अगली हदीस चार सात सौ चार हजरत अबू हुरैरा रजी अन से रवायत है कि एक देहा यानी बद्दू या अनपढ़ लोग होते थे नबी आया और अर्ज करने लगा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं ना कि अगर मैं वो बजा लाऊ तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ आपने फरमाया अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ फर्ज नमाज मुकर करो जक़ात अदा करो रमज़ान के रोजे रखो देहाती बोला मुझे उसकी की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है मैं इससे ज्यादा नहीं करूँगा जब वो चला गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी जन्नति को देखना चाहता है वो इस शख्स को देख ले गोया दोनों अहदीस से एक बात समझ में आ रही है कि सवालों का पैमाना ये बात मैं आपको पहले भी बताती रही हूं कि कोई भी शख्स जब सवाल करता है ना तो वो सवाल उसके जहन की हालत की अक्कासी करता है उसकी ज़हनी हालत को जाहिर करता है उसकी ख्वाहिशें उसकी तरजीहत उसकी आर्जुएं उसकी तमन्नाएं उसकी डिज़ायर्स को शो करता है और यहाँ क्या पता चल रहा है कि नबी नबीम की हयात तय्यबा में आपने जन्नत का ऐसा क़ुरान ने और हदीस ने ऐसा खूबसूरत नज़ारा और समा बांध दिया था ना कि उनके दिल फिर उस जन्नत के साथ जुड़ गए थे उनकी आर्जुए उनकी तमन्नाएं ये जो बद्दू है उस दौर के जो जाहिल गमार उजड़ इलिटरेट टोटली जाहिल बद्दू है ना वो भी सवाल क्या कर रहे हैं जन्नत में जाने वाले अमल बता दीजिए आज अगर हम अपना अपने माशे का जायजा लें तो पढ़े लिखे खाते पीते लोगों को जन्नत के हसूल की फिक्र ही नहीं है परवाही नहीं है और ये तरजीहत में से तरजीह नहीं है अल्लाह हमें इस कुरान में जन्नत के तारुफ को आम करने और लोगों को इस तारुफ और इस नज़ारे दिखाने की तोहफी अता फरमाए तो आपने जन्नत में जाने वाला जो पहला अमल बताया वो क्या है तोहिद पर जमना और शिरक से बचना कुरान में बारह वला शिकूबी ही, वला भी ही बार बार इसका वाला आता है नजीम। और अल्लाह ने कुरान में वाजे तौर पर कह दिया कि अगर कोई शिरक से माफी किए बगैर तोबा किए बग़ैर मर जाएगा तो फिर ये वाहि गुनाए जिसको अल्लाह बख्शेगा नहीं तो पहली चीज तो जन्नत में जाने के लिए क्या है तोहहीद पर इस्तकामत और शिरक से इज्तनाफ दूसरी बात अकीम सलाता अकीमो सलाता नमाज का कायम करना ये वो नमाज है जो कयामत के दिन का पहला सवाल है ये वो नमाज है जो पढ़ने वाला मुसलमान और हदीस की रूह से ना पढ़ने वाला काफिर है ये वो नमाज है कि बेनमाज़ियों का हिसाब फारून आ, फिरौन के साथ कारून के साथ आ, हा, हामान के साथ और रुबई बिन खल्फ के साथ होगा ये वो नमाज है जो जन्नत की कुंजी है ये वो नमाज है कि जो जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों आए तो वो क्या कहेंगे लम नकुमिन हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो ये वो नमाज है जिसका आपने तस्करा किया जन्नत के हसूल के लिए और फिर आपने कहा कि जक़ात काम करो वो जकत जिसके लिए आप सलम ने फरमाया था कि जन्नम की आग से बचो चाहे खजूर कर टुकड़ा दे का टुकड़ा देकर अल्लाह के गजब को ठंडा करता है पुल से रात पे नूर बनता है और आपने नमाज और जकत का इसीलिए तो हुक्म दिया था कि जन्नत का एक दरवाजा बाबू सलात है और दूसरा दरवाजा बाबू सलात है तो इसलिए आपने हुक्म दिया और एक जगह आपने रहम के रिश्तों की ताकीद की एक जगह आपने सिला रहमी की ताकीद की क्योंकि हदीस क्या बताती है लाइत खुलजन्ना तो कौतर रहम कत रहमी करने वाला तो कौन है वो तो जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा और अल्लाह ने सूर्य बकरा में फासिकों की सिफत बताई है कि वो कता रहमी करते हैं और दूसरी हदीस में जन्नत में जाने वाला रमजान के रोजे रखने वाला क्योंकि हदीस बताती है मनसोम ईमानों व मिन ही जिसने ईमान और सवाब की ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रोजे रखे उसके सारे गुना बख्श दिए गए और फिर जन्नत का एक दरवाजा बाबू सियाम भी तो है जिसमें रोजेदार गुजरेंगे तो अल्लाह सुबहान तला हमें ये बातें याद रखने और इनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए एक और हदीस में जब रसूल सल्हल वसलम से जन्नत में जाने वाले अमल बताए थे तो वो राइमिंग सी हदीस है खुद याद करें बच्चों को भी याद कराएं तो आपने फरमाया था क्या करो भूखों को खिलाओ रिश्तों को मिलाओ सलाम को फैलाओ नमाज उस वक्त पढ़ो जब लोग सो रहे हों तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे और बिपनी आंदा का बेतनफना हदीस नंबर सात सौ पांच हजरत अबू हरेरा रजी अल्ला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि जब रसूल की वफ़ात हो गई और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तलीफा बने तो कुछ बाद नशीन यानी बद्दू जो थे अरब में से वो मुर्तद हो गए और जक़ात के मुनकर हो गए हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तेज करने का इरादा किया तो हजरत उमर रजी रजील ने फरमाया आप उन लोगों से क्यों कर लड़ सकते हैं जबकि रसूल सल्ला ने फरमाया कि मुझे लोगों से जंग करने का हुक्म दिया गया यहां तक कि वो ला इलाहा लाला का इकरार कर लें तो जो शख्स ला इलाहा इला कह दे उसने यकीन अपना माल और अपना अपनी जान मुझसे महफूज कर ली अला ये के अजरू इस्लाम उस पर कोई हक वाजबुल अदा हो फिर उसका हिसाब अल्लाह के सपूर्द है इस पर हज़र तबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह फरमाया अल्लाह की कसम मैं हर उस शख्स से जंग लड़ूंगा जो नमाज और जकवात में फर्क करता है क्योंकि जक़ात माल का हक है जिसकी अदायगी जरूरी है अल्लाह की कसम अगर वो एक बकरी का बच्चा जो रसूल अल्लाह रसूल्लाम के ज़माने में देते थे और मुझे नहीं देंगे तो मैं उसके ना देने पर भी उनसे जंग करूंगा हजरत उमर रजी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम ये बात सिर्फ इस वजह से थी कि अल्लाह तजरत अबूबकर से दीक रजी अल्लाह तसीना खोल दिया था और मैं समझ गया कि यही बरहक मौकफ़ है नबी वसल्लम की वफात के बाद का खुलफा राशिदीन के दौर का वाक्य बयान किया जा रहा है असल में जैसे हमने पहली हदीस ही में देखा हदीस नंबर 702 में कि अल्लाबहना तला ने भी फरमाया कि जब अल्लाह जमीन में किसी को हुकूमत देता है तो उसे क्या करना है क्या तो ज़क़ा का निज़ाम नाफिज करना है तो बहसीयत हुरान एक मुसलमान हुक्मरान को इस्लामी रियासत के अंदर ये इश्योर करना है और ये इस बात की गारंटी और इस बात को यकीनी बनाना है कि जो मुसलमान हैं वो जकवात अदा करें और जो नॉन मुस्लिम हैं वो अपना जजिया अदा करें यही शरीयत के ऊपर से इन दोनों पर पाबंदी है तो इसी हवाले से हमें पता चलता है कि हयात तकबा में मदीना के मुजाफात में कुछ कबीले बद्दुओं के कबीले जो थे ये मुसलमान तो हुए थे लेकिन पूरा अभी इस्लाम उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ था ना कि भी दिल की मोहब्बत दिल में माल की मोहब्बत थी तो जब आपने इनसे जक़ात का मुतालबा किया तो उन्होंने जक़ात को देने का इनकार कर दिया तो जब इन्होंने जक़ात को देने का इनकार किया तो फिर आपने इनके खिलाफ एलान जंग के लिए लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया इस लश्कर की क्यादत के लिए आपने अपने मुंह बोले बेटे हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह तन के बेटे उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तन जिनको हब्बे रसूल सल्लाम का लकब दिया गया था उनको तैयार किया ये पहला लश्कर था जिसकी क्यादत हज़रत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह फरमाई थी इससे पहले हजरत उसामा बिन जैद अपने वालिद के साथ जंगे मोता में तशरीफ ले जा चुके थे अभी वो चूंके बाले हुए थे और फिर उसके बाद यहां पर उनको कयादत के लिए तैयार किया गया गोया अब देख लीजिए हर मुसलमान हाकिम के लिए इस्लामी रियासत में नबी सल्लाह वसलम की ज़ात अगदस का नमूना पता चल रहा है कि मान इन जक़ात के खिलाफ एलान जंग है वो लोग जो इस्लामी रियासत में मुसलमान रहते हैं कलमा गो होते हैं कहते हैं ऐलान करते हैं अपने इस्लाम का और मुसलमानों की वोटर लिस्टों में अपना नाम लिखाते हैं तो उनको अपना इस्लाम प्रूव करने के लिए दिलों में नकब लगाने का तस्वर नहीं है ईमान की कुरेद करने का तस्वुर नहीं है लेकिन इस्लामी रियासत में रहते हुए मुस्लिम सिटीजन्स को दो चीजें एक तो नमाज मर्दों को बाजमात पढ़नी जरूरी है और दूसरी उनको जकवात अदा करनी जरूरी है नबी सल्लम की सुनत भी खलफादीन का तरीका भी नजर आ रहा है पांच गुना पांच गुना ऐसे हैं पांच अमल ऐसे हैं जिनके खिलाफ इस्लामी रियासत में करने वाले गरोह या अफराद के खिलाफ एलान जंग है कुरान में वाहिद एक है सूद खाने वाले अल्लाह ने सूद के लिए सूरा बकरा में फरमाया हर्रमर्रबा मैंने हराम कर दिया तो अल्लाह ने फरमायान अल्ला जितना जितना अगर तुम ईमान लाने वाले हो और आगे अल्लाह ने वार्न कर दिया वह इम तब फैलू अगर तुम ऐसा नहीं करोगे फैनू बिहार और अल्ला के रसूल साथ जंग पर तैयार हो जाओ तो कुरान में सूद खोरों के खिलाफ एलान जंग है लेकिन हदीस में इसके अलावा चार अमल करने वालों के खिलाफ एलान जंग है नंबर वन मानई ने दूसरा शराब पीने वाले इंशाल्लाह किताबुल अशरबा पढ़ेंगे तो वजाहत से बात होगी वो कबीले के लोग आए थे उन्होंने कहा था हमारे लोग नहीं मानेंगे उसकी उर्मत को तो आपने फरमाया था अगर वह तुम्हारी बात ना माने तो उनके खिलाफ एलान जंग करो और फिर मुर्तदीन और झूठे दयाने नबूबत तो ये लोग हैं जिनके खिलाफ कुरान और हदीस के हवाले से इलाने जंग है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तैयारी का हुक्म तो दिया लेकिन बस फिर मौत ने मोहलत ना दी और फिर बाद में ये रुदाद हुई गोया एक बात जरूर सुन लीजिए मौत का जो वक्त है उसने उस वक्त आकी जाना है और जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया हुआ था लेकिन उस लश्कर को रवाना करने की मोहलत नहीं मिली थी पांच चीजों का शुक्र पांच चीजों से पहले कर लीजिए जवानी का बुढ़ापे से पहले सेहत का बीमारी से पहले फुर्सत का मसरूफियत से पहले माली फराखी का माली तंगी से पहले और जिंदगी का मौत से पहले सुस्ती छोड़ दीजिए टाल मटोल छोड़ दीजिए नहीं पता कितनी मोलत अमल मौजूद है और जब की रसुल्लाफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह रजील्ला ने इसी लश्कर को भेजने का इरादा फरमाया था तो हजरत उमर रजी अल्लाह तला ने इसको नापसंद किया था यहां पर यह बात बताई जा रही है एक और मौके पर आता है कि हजरत उमर ने यह भी फरमाया था कि अभी तो और बहुत फितने हैं अभी तो वो मानी ने जक़ात के सरकूबी भी मौजूद है मुर्तदीन का फितना भी मौजूद है तो हम इसको एक एक करके हैंडल करेंगे और खिलाफत को भी सेटल करना जरूरी है तो आप ये देखिए कि सहाबा क़राम में इख्तिलाफ राय नजर आ रहा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है लेकिन जब उनका डिफरेंस ऑफ ओपीनियन था तो बड़े ही एक शायस्तार तरीके से अखलाक और अदब और एहतनाम के और अखलाक के दायरे के अंदर रहकर कॉन्वर्सेशन और मुबाशा हो रहा है और मुबादे का तरीका वो ये ना जो अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि अगर तुम्हारे दरियान फाइजा तनाज़ा तुम तुम्हारे दरमियान अगर किसी मामले में तनाजा हो जाए तो क्या करो फर हो व रसूल तो फिर उसको कुरान और हदीस की तरफ लौटाओ और कुरान और हदीस से उसकी दलील और उसका जवाब दो तो हजरत अबू बकर ने भी और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने भी आपस की जो डिबेट और डिस्कशन थी उस पर मामला कुरान और हदीस के पैमानों और दलाइल के ऊपर जो है उसको सेटल किया गया और वैसे भी देख लीजिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की हालत के बावजूद अलग अलग फारूकी और अलग अलग सदीकी फिरके नजर नहीं आ रहे हैं बल्कि बिल्कुल आपस में इतफाक है और कोई खफकी नाराजगी और झगड़ा नहीं है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा होगा लेकिन उस पर फिरके बना लेना धड़े बना लेना ग्रो बना लेना और अपनी अपनी पार्टी को अलग कर लेना यह भी तरीका नहीं है और वैसे हदीस से वाज तौर पर पता चल रहा है इस्लामी रियासत में अगर कोई जक़ात जो वाजिबुल अदाए नहीं अदा करता अगर एक बकरी का बच्चा भी वाजिबुल अदाए तो हजदबूबकर ने फरमाया मैं उसके खिलाफ भी जंग करूंगा आज हमारे माशरे में खाते पीते तबके की लाखों करोड़ों की जकते जो अल्लाह का हक मौजूद है वो उसको देने से काफिल है ये हिरस हवस तमाम बुखल ऐसे दिलों में घर ही कर गई है मैं तो आपको बता दूं कि आज बहुत माशी बहरान है बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत लो है लेकिन इस सारे मसाइल का हल ये कि आज हमारे इंडस्ट्रीज आज हमारे बिजनेसमैन आज हमारे वडेरे आज हमारे जायगीरदार आज हमारे मालदार लोग हमारे अलीट अपना अपना जायज जो जकआात का हक है वो भी अदा करने लगे तो हमारा आधा आधी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उससे ज्यादा का खात्मा हो सकता है अल्लाह हमें इस बेहतरीन असूल को समझने और अपने माल में से सदका और खैरात निकालने को रवाज देने में अपना किरदार अदा करने वालियां बना दे बाब नंबर दो जक़ात ना देने वाले का गुनाह हदीस नंबर 706 सौ छह हजरत अब हुररा रजी त से एक और रवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी ने फरमाया क़यामत के दिन ऊंट पहले से ज्यादा फरबा यानि मोटे और बेहतर हालत में अपने मालिक के पास आएंगे जब वो मालिक उनका हक हाँ यानी जकआ़त अदा नहीं करता था फिर वो उससे अपने पाओं से रोंद देंगे इसी तरह बकरियां भी पहले से ज्यादा तोाना और बेहतर हालत में अपने मालिक के पास आएंगी जबकि वो मालिक उनका हक हाँ अदा नहीं करता था और वो उसे अपने खुरों से कुचलेंगी और अपने सिंगों से मारेंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका हक हाँ ये है कि पानी के घाट पर उनसे दूध हासिल किया जाए और मोहताजों को पिलाया जाए अल्लाह दे रहा तो अल्लाह के बंदों को खिलाओ पिलाओ नीजा आपने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी क्यामत के दिन बकरी को अपनी गर्दन पर सवार करके ना लाए बाई हालत के वो ममिया रही हो और वो शख्स मुझसे कहे या मोहम्मद सल्लाह वसलम मेरी सिफारिश करें और मैं कहूँ मैं तेरे लिए किसी बात का इख्तियार नहीं रखता मैं तो अल्लाह का हुक्म पहुंचा चुका हूँ इसी तरह कोई शख्स ऊंट को अपनी गर्दन पर सवार करके ना लाए कि वो बिल बिरारहा और वो मुझसे कहे या मोहम्मद वसल्लम मेरी सिफारिश करे और मैं कह दूं मैं तेरे लिए किसी बात का इख्तियार नहीं रखता मैं तो अल्लाह का हुक्म तुम्हें पहुंचा चुका हूं गोया, इस आयत में माने जक़ात वो लोग जो अपने हिरस हवस तमाल लालच और बुखल की वजह से जक़ात देने का हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी करके ज़क़ात देने का अल्लाह और अल्लाह के बंदों का हक देने का इनकार करते हैं उसका अंजाम बताया जा रहा है ये बिल्कुल अल्लाह सुबहाना ताली ने सूरा तौबा में आयत नंबर थर्टी फोर में जो फरमाया ना ये हदीस बिल्कुल उस आयत की तशरी करती हुई नज़र आती अल्लाह ने सूरा तौबा में फरमाया ना व लजीना यक नजून अहाबा यानी सोने को फ चांदी को वो क्या करते हैं वो कंस करते हैं वो जमा करते हैं उस पर अल्लाह का हक और जक़ात अदा नहीं करते हाफी सबी फिर अजाबिन अलीम उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना तो अजाब की खुशखबरी नहीं होती है लेकिन ये एक ना तंजिया अंदाज से एक सरकेस्टिक अंदाज से कहा जा रहा है इतनी मोहब्बत है ना जमा कर करके रखते हो ना तो बस ठीक है फिर तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी अजाब भुगतना फिर और ये क्या है यौमा युहमा, अलैहा फी नारी जहन्नुम जो सोना और चांदी है इसको जहन्नुम की आग पर तापा जाएगा फतुकवा फिर दागा जाएगा फिर दागा जाएगा, जाएगा। किसके साथ व जुनूब ूर उनकी पेशानियों को उनके पहलुओं को और उनकी पीठों को और क्या कहा जाएगा हाजा मकन तुम लिया है जो तुमने अपनी जानों के लिए जमा किया था फजूकू मकुन तुम तकनी चो उस मजा उस चीज का जो तुम जमा करते थे सोने चांदी का ढेर जमा करके उस पर जक़ात ना देने वालों का अंजाम एक तो इस आयत से जक़ात की अदायगी सोने चांदी पर जक़ात की अदायगी का जवाब वाजे तौर पर इस आयत से साबित हो रहा है और दूसरी बात माने मानने जकवात का अंजाम बताया जा रहा है कि वो सोना और चांदी उसको जहन्नुम की आग हमें अब पता चलता है ना कि जहन्नुम की आग जो है वो दुनिया की आग से उनहत्तर गुना ज्यादा गर्म है उसको उसको जहन्नुम की आग पर दाग करके स्टैंपा जाएगा उसको उस पर उस पर गर्म किया जाएगा रेड हॉट किया जाएगा फिर दागा जाएगा सरा सोचे ना तस्वर करे इंसान कितना जल्दबाज है कि दुनिया की चीजों की मोहब्बत में आके कैसा खोई जाता है कि ऐश में यादें खुदाई भूल जाती है फिक्र आखिरत से काफिल हो जाता है अपने आप से सवाल करे जरा पूछे आज एक प्रैक्टिस कीजिएगा अपने सुई गैस का चूल्हा जो अरेंज कर ना उसको चलाइएगा फुल और फिर उसके ऊपर एक अपना स्टेनलेस स्टील का एक टेबल स्पून उस ऊपर अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा और फिर कोशिश कीजिएगा कि अपने हाथ की पुश्त अपनी बेटी के हाथ की पोस्ट पर क्या आप लगा सकती हैं कि है इमेजिन कर सकते हैं कि खुद अपने हाथ से उसको रेड हॉट करके और फिर अपने 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 हाथ की बैक या अपनी बेटी की गाल के ऊपर लगाएं सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि हम में से कोई ऐसा कमल करने के बारे में सोचे भी लेकिन इंसान कितना बहादुर हो जाता है इंसान कितना दलेर हो गया आज और कितना बेखौफ हो गया आज कि ये माल की मोहब्बत ऐसे ही घर कर गई है कि जकते मैं आपको बताऊं कि हमारे माशरे में तारिकीने सलात यानी नमाज छोड़ने वालों की भी बहुत ही कसरत है लेकिन माने ने जक़ात यानी ना जक़ात देने वाले तो उससे भी ज्यादा कसीर है बल्कि जक़ात देने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर ये सिर्फ माल की मोहब्बत ऐसी सख्त सख्त वईद अहादीस और कुरान की मौजूद होने के बावजूद मुझे तो कई दफा ये लगता है कि शायद ये कुरान की आयत और ये अहदीस उन लोगों ने सुनी ही नहीं है ये कैसे हो सकता है कि ये चीजें सुनने के बावजूद भी इंसान हिरस और बुखल करके जक़ात ना करे वो जो वो जो कुरान में आता ना कि जहन्नुम के दारोगा जब लोगों को जहन्नुम में देखेंगे तो वो कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाले नहीं आए थे तो वो कहेंगे हाँ हमारे पास डराने वाले आए थे और फिर वो कहेंगे कुन्ना नस्मा मा कुन्ना फी सुन लेते और आज माग में जलने वाले ना बनते तो अल्लाह ने कहा कि फिर उसको दागा जाएगा फिर तापा जाएगा किसको उनकी पेशानियों को उनके पहलुओं को उनकी पीठों को दागा जाएगा ये तो हमें हदीस में भी वैसे भी पता चलता है ना कि जो उस वोगा ना गुना का उसको अजाब दिया जाएगा जहनों में पेशानी को क्यों दागा जाएगा क्योंकि जब उसे कोई माल का तकाजा करता था जकत और सदक़ का मुतालबा करता था अपनी हाजत बताकर या किसी और की बताकर तो उसकी पेशानी सुख जाती थी नागंवारी के असरा होते थे वो डिस्ट्राइक करता था इसलिए उस पेशानी को दागा जाएगा फिर वो मुंह फेर के चला जाता था उसके पहलुओं को दागा जाएगा मुंह फेर के बात करता था और पीठ फेर के चला जाता था उसकी पीठ को दागा जाएगा और फिर ऊपर से उसको झिड़का भी जाएगा और वही हाल यहां पे इससे मिलती जुलती मुस्लिम की हदीस है कि उनको मुंह के बल लिटा दिया जाएगा और जो सोना और चांदी जो है उसकी तख्तियां उसकी तख्तियां बना के उनको जहन्नम की आग पर तापा जाएगा और उससे दागा जाएगा उनकी पीठों को और हदीस बताती है कि जब वो ठंडी होने लगेगी तो उनको फिर से तापा जाएगा जिदना हम सईरा जहन्नम की भड़काया बढ़का जाने और तापने जाने वाली तख्तियों को भी फिर से दहकाया जाने और आपने फरमाया कि ये अमल एक हजार साल तक जारी रहेगा जब लोग अपना रास्ता जन्नत या जहन्नम की तरफ लेंगे और वही जो मान इन्हने जक़त ऊंटों के थे बकरियों के थे वो भी वैसे हिजाब थे इतना सख्त और इतना इंटेंस और सवियर खाब सजादने हशर में दी जानी है सोने चांदी जानवरों की जक़ात ना देने वाले इतनी इतनी, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां इतनी, इतनी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियां इतने, इतने इतने बड़े प्लाजे इतनी इतनी बड़ी खेतियां लेकर लोग जकते नहीं देते कहा ले जाएंगे दुनिया की आर्जी जिंदगी में रह जाना है दुनिया की जिंदगी में रह जाना और अपने साथ यह मान ले मुंह के बल जहन्नुम पे मैदान हशर में लटा के ये सजाएं और फिर मैदान हशर में अगर ये एक्सपेक्ट करें ना कि मैदान हशर में भुगत के फिर आगे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे हदीस बता रही है कि ये लोग जिन्होंने बकरियों की और ऊंटों की जक़ाते नहीं दी देंगे जब ये आएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफी मक्शर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी जिम्मा के कहेंगे मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूँगा अल्लाह हमें ज़क़त की अहमियत को समझने और बड़ी हसासीयत से और बड़ी बारीकी से इस पर इसको कैलकुलेट करके बड़े खुश दिली के साथ और फर्श अनासी के साथ अदा करने की तोफीक अदा फरमाए अपनी बेटी को वो चमचा नहीं लगा सकते ना गरम देखता हुआ तो फिर याद रखा करें अपने बच्चों को जो सोने देते हैं जहेजों में देते हैं बेटियों को बहुओं को देते हैं बेटों को देते हैं वो जो सारे सोने चांदी और कैश और नकदियां और फिर उसकी तशहर करते हैं उसके साथ साथ उन बच्चों को देते वक्त उसका वजन बताया करें बेटी ये जो मैंने तुझे सोना दिया है इसका सेलेबल वेट जो है ना जिस वक्त सेट बनाती है उसका सेलेबल वेट उसी वक्त सुनियारे से पूछ के उसको अपने इनिशियल वेट में ऐड कर लिया करें बेटी को बताया करे मैंने तुम्हें बावन तोले सोना दिया है बेटी मैंने तुम्हें चालीस तोले सोना दिया है इस पर एक तोले सोने की कीमत अदा करती रहना अगले साल जब हो जाएगा उसकी मैरिज एनिवर्सरिया यहाँ पे करते हैं मैरिज एनिवर्सरियों की बजाय शैतान हमें गैर अहम चीजों की तरफ लगा देता है साल हो जाएगा ना अब जब बेटे और बेटी की शादी का उससे पूछे बेटा एक साल हो गया मैंने तुझे सोना दिया हुआ एक साल हुआ है मैंने तुझे नकदी दी हुई अभी तक तेरे बैंक में पड़ी हुई है दे दी है ये वो चीजें हैं खुआ सुकुम्ब आहली नारा अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाओ उनके बाबू सदका का भी तो इहतमाम करना है सिर्फ खुद ही तो नहीं चले जाना हदीस नंबर सात सौ सात हजरत अब हुरर रजी अल्लाह तीन से एक दूसरी रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूल सल्हि वसम ने फरमाया अल्लाह ते माल और दौलत से नवाजे और उसकी जकवात अदा न करे तो उसका यह माल क्यामत के दिन एक गंजे सांप की शक्ल में लाया जाएगा जिसके दोनों जबड़ों से जहरीली झाग निकल रही होगी अस्तफिरल्ला रबी और वह तो की तरह उसके आदमी की गर्दन में पड़ा होगा इस तखफ फिर उसकी दोनों बादशें पकड़ कर कहेगा मालू का अना कंजू का मैं तेरा मालू मैं तेरा खजाना और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा इमरान की आयत पढ़ी वला يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لكم سيطبقون कि वो लोग वो लोग जो अपने माल में बुखल करते हैं बुखल करते हैं यानी वो चीजें जिन पर खर्च करना जायज है हलाल है पसंदीदा है बंदों के हक में से भी और अल्लाह के हक़ में से भी वो जो जकवात और सदका देना है वो नहीं देते हैं अपने माल में उनके पास उनकी जरूरत से ज्यादा है लेकिन वो सदका खैरात और जकूत नहीं देते वो बुखल करते हैं वो अपने इस बुखल को अपने हक में अच्छा ना समझे बल्कि वो बुखल उनके हक में बहुत ही बुरा है कितना बुरा है उसी बुखल के जरिए उनको तोक बनाकर पहनाए जाएंगे कुरान की आयात की तशरी अहदीस करती है सुराल इमरान की इस आयत की तशरी ये हदीस करती हुई नजर आ रही है और ये जो सुर इमरान की आयत कहती है कि बुखल करने वाले अपने बुखल को अच्छा ना समझें उनके हक हाँ में बड़ा बुरा है अच्छा कैसे समझते हैं बस अवकात लोग खुद समझते हैं अपने आप को समझते हैं किसी और को बहन को भाभी को बेटी को कहते हैं बड़ी सियानी है। जोड़ जोड़ के रखती है संभाल संभाल के सेंध सेंध के रखती है सेंध सेंध के जोड़ जोड़ के रखने वाली से क्या कहा हजरत इसमा रजी अल्लाह तह नबी सलम की साली है और माली तंगी का शिकार थी लेकिन जब सदका करती थी आगे वाक्य आएगा तो वो देते हुए गिन रही थी कुछ अंदर रख रही थी कुछ दे रही थी तो आप सल्ल ने फरमाया इसमा गिन गिन के ना दे अल्लाह गिन के देगा इस्मा रोक ना ले अल्लाह रोक लेगा तो लिहाजा ये वो बुखल है जिसकी नफी माँ ने जक़ात जो इतने बकील है खरीस है अल्लाह सुबाना तेख देता है हालात देता है इसबाब देता है वसाइल देता है, है ताल्लुक देता है मुलाजमतों में तरक्या देता है कारोबारों में बरकतें बढ़ोतियाँ देता है ज़मीन के अंदर से फसलें हवा सूरज सारे निकालते हैं और फिर इतना बकील हो जाता है सारा साल वह माल खुद खाता है अल्लाह कहता है कि साल के एक दिन सारे साल की आमदनी जो सिर्फ मेरे दी हुई नियमतों और वसायल और की बुनियाद पर तुम सारी सारा साल खाते पीते उड़ाते लुढ़ाते रहे साल में एक दिन उस माल में से मुझे ढाई फीसद दे दो चालीसवां हिस्सा दे दो फिर भी बुखल करे तो ये बदतरीन बुखल है कि नहीं ये बदतरीन बुखल है कि नहीं अंजाम बताया जा रहा है कि एक सांप कैसे हम लरसते हैं सांपों से ये तो हदीसे पढ़ने और आयते पढ़ने के बाद फाजे तौर पर पता चल रहा है कि लोग जो नहीं दे रहे शायद उनको पता ही नहीं है उन्होंने सुना ही नहीं है वो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सहेली है उनका बेटा भी छोटा है वो भी सुनता है अभी लामस में पढ़ रहा है वो भी लेक्चर सुनता है और वो फिर मुझे कई दफा कहती हैं वो कहती हैं कि अम्मा मेरा बेटा कहते है हमेशा कहते हैं मोहम्मद अम्मा सेबा खाला तो बहुत ही डराती हैं असल बात है कि ये डराने की बात ही नहीं है ये बात अल्लाह के अहकामत है ये असल हकीकत है जो मैदान हशर में होनी है बर वक्त मुतनबे किया जा रहा है कि अगर ये नहीं करोगे तो ये अंजाम होगा जिससे तुम तो चारोगे ये मीठी मीठी बातें करके लोगों को लोरी दे के सुनाना ये उनकी खैर खाही नहीं है ये उनके साथ मोहब्बत नहीं है वो अंजाम तो आना है वो दिन तो आना है वो वक्त तो हमने गुजारना है तो ये डराना नहीं है ये खौफजदा करना नहीं है ये उस बुरे अंजाम से बचाने के लिए मुतनबे करना है इस हैबतनाक अंजाम से बचाने के लिए बर वक्त ये बातें बताई जाती है किसी को खौफ जदा करके मुतनफर करने का मकसद नहीं है दीन के तालीमात से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कौन हिकमत वाला है अल्लाह से ज्यादा कौन हिकमत वाला है जिसने अपने कलाम में इन चीजों से मुतनबे किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीरम व नजीरा बना के भेजा हमें भी ये चीजें लोगों तक पहुंचानी है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिन लोगों ने जकआत नहीं दी होगी उनका क्या है उनका वो सांप की शक्ल में और यहां जो बताया जा रहा है वो गंजा सांप मुहदसिन कहते हैं कि उसके सर के ऊपर बाल नहीं होंगे वो जो रुएं से होते हैं ना सांप के सर पर वो भी नहीं होंगे उनकी उसके जहर की शिद्दत उसके पॉइजन की इंटेंसिटी की वजह से उसके सर के ऊपर से बाल भी उड़ जाएंगे और दो आंखों के ऊपर मुस्लिम के दी से उसकी आंखों पर दो सिया नुकते होंगे मतलब स्पेसिफिकेशंस देखे ना हदीत ने इतनी प्रसिजन से उस शाम की पूरी ये पेरेंट्स भी बता दिए ताकि सुनने वाले को ना कोई शक और शुभा भी ना रहे और मुंह से झाग निकल रही होगी उसके गुस्से उसके गजब उसके जहर की शिद्दत और फिर वो बच्चों को पकड़ेगा हमेशा आजाये गुना को सजा दी जाती है माल खाता था ना पेट में आग भरता था ना तो मुंह को पकड़ेगा चीरेगा और फिर बताएगा मैं कौन हूं मैं रिप्लेसमेंट उस खजाने की जिस पर तुम नाग बन के बैठे हुए थे तुम जालिम जाबिर नाग बन के अपने खजाने पे बैठ गए थे ना फकीरों मस्किनों मोताजों को बेलिबासों को देखते थे मरीजों को तड़पते सकते देखते थे लोगों को गंदा पानी पीते हुए देखते थे तुम्हें जकआत देने तक की तोफीक नहीं थी तुमने सदकात क्या देने थे ये है वो कहेगा ना मालुका ना कंजुका बाब नंबर तीन जिस माल की जक़ात अदा कर दी जाए वो कंस नहीं है अदीस नंबर सेवन हंड्रेड एंड एट हजरत अबू सईद खुदी रजी अल्ला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु सल्लाम ने पांच ओकिया से कम चांदी में जकआत नहीं है पांच ऊंटों से कम में जक़ात नहीं है और पांच वजह कम से कम गले में जक़ात नहीं है तो ये आप सल्हम ने मिनिमम अमाउंट बता दी ये जकआत का निसाब है चांदी के निसाब पांच औोकिया जो है वो बावन तोले या छह सौ बारह ग्राम बन जाती है और पांच ऊंट हमने तादाद देख ली पांच बसक जो है वो बीस मान या सात सौ पचास पच्चीस किलोग्राम किलो बन जाती है और वैसे जो बाब है उसका मतलब यह कि जब माल पर उसकी उसकी जकवात अदा कर दी जाए अल्लाह का हक उसके अहकाम के मुताबिक अदा कर दिया जाए फरीजा दीन पूरा कर दिया जाए तो फिर वो माल कंस नहीं रहता कंस कौन सा माल है जो सूरत तोबा की आयत नंबर थर्टी फोर में भी और यहां पे भी उसका तस्करा किया जा रहा है कंस एक बखील हरीस और लालची मालदार के माल को कहते हैं ये कंज वो माल है कि जिसमें वो मालदार साहेब माल इतना हरीस और बखील और लालची है ना कि वो छुपा छुपा के बचा बचा के रखता है और छुपा के इसलिए रखता है कि किसी को पता ना चल जाए किसी को हवा ना लग जाए कानों कान किसी को खबर ना हो किसी को पता चल जाएगा तो कोई मुझसे मांग ही लेगा और मुझे देना ही पड़ेगा तो एक तो कंस वो माल है जिसको उसका माल उसका मालिक जो है वो छुपा छुपा के रखता है किसी को हवा खबर भी नहीं लगने देता और दूसरा वो माल है जिस पर अल्लाह का बताया हुआ फर्ज और उसका हक अदा नहीं करता वो कंज़ है और ये कुरान की आयत जब नाजिल हुई ना वजीना यकनजूबा वलफा तो फिर उस पर साहब ने पूछा कि यह रसूल सल्लाम इस आयत को पढ़ने के बाद तो सोने चांदी के ढेर जमा करने का शौक ही हमारे दिल में से निकल गया अब बताएं हम क्या जमा किया करें तो आप वसल्लम ने फरमाया था कि क्या जमा करो तीन चीजें जमा करने के लायक है जिक्र करने वाली जबान शिक्र करने वाला दिल और सबर करने वाला जिसम बाब नंबर चार सदका हलाल कमाई से होना चाहिए हदीस नंबर सेवन हंड्रेड एंड नाइन हजरत अबू हुर से रवायत है कि उन्होंने फरमाया रसूल सल्हल वसलम ने फरमाया कि जो शख्स हलाल कमाई से खजूर के बराबर सदका करता है अल्लाह पाक और हलाल चीजों को कबूल फरमाता है तो अल्लाह ताली उसे अपने दाएं हाथ में लेता है फिर उसे देने वाले की खातिर बढ़ाता है जिस तरह तुम में से कोई अपने घोड़े के बच्चे को पाल कर बढ़ाता है हती ये कि वो खजूर के पहाड़ के बराबर वो खजूर के पहाड़ वो खजूर पहाड़ के बराबर हो जाती है तो गोया सदी से यह वाज तौर पर पता चल रहा है कि सदका और खैरा चाहे वो फ़र्ज सदका है जकवात और चाहे वो नफल सदका है जो जकवात के बियन्ड हम लोग देते हैं ये कबूल ही तब होगा अगर वो पाक होगा अल्लाह सुबहाना तूरा बकरा में भी फरमाया ना या यूहजीना आमनु आंफिको मिनतो ये बाती मारो पाकिजा चीजें हमने तुम्हे दी है ना उनमें से खर्च करो को यार रिस्क हलाल में से खर्च करने का की ताकि और हदीस के अल्फाज है अल्लाह पाक है और अल्लाह ही को कबूल करता है हराम माल से दिया हुआ सदका कबूल नहीं होता रिस्क हराम से दिया हुआ सदका कोई रिश्वत से बेमानी से धोखे से फ्रॉड से कसब से ग्बन से जो सदका खैरा किया जाता है वो इस हदीस की रूह से और कुरान की आयत की रूह से कबूल नहीं होता बहुत से लोग जो है ना वो अपनी जिंदगी में बड़ी रिश्वतें और बेमानी धोखे और फ्रॉड करते रहते हैं वो कहते हैं कि आजकल तो बड़ी रिश्वत का इम्कान है तुम्हारी चारों उंगलियां घी में तुम्हारा सर कड़ाई में खूब खूब रिश्वतें कमाओ अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज बनाओ अपने बच्चों के लिए जयदादें बनाओ और कोई नहीं आखिरी जिंदगी में तुम भी तोबा कर लेना हज करके गुनाओं को बख्शवा लेना कोई सदका खैरात करके अपने लिए सदका एजारिया बना लेना हदीस तो ये बता रही है हदीस तो ये बता रही है कि हराम माल से दिया हुआ सदका ही कबूल नहीं होता और वैसे ये कि जब हलाल माल से दिया जाता है तो फिर अल्लाह उसकी कदरदानी करता है और इसको दाएं हाथ से लेता है दाएं हाथ का मतलब ये है कि वो उसकी कदरदानी करता है और यहां से आता है ना कि खजूर का सदका खजूर के बराबर भी सदका देता है तो हदीस के अल्फाज है ना कि जहन्नुम की आग से बचो चाहे खजूर का एक टुकड़ा देकर भी तो जब खलूस से इखलास से कोई छोटा सा भी सदका दिया जाए बिकॉज अल्लाह सुबहाना तह तो बड़ा कदरदान है वो क्वांटिटी नहीं वो क्वालिटी देखता है तो छोटा सा भी खजूर के टुकड़े के बराबर भी सदका दिया जाए तो अल्लाह दाएं हाथ से लेता है यानी दाएं हाथ का मतलब अरबों में होता है प्रोटोकॉल और इज्जत दी जाती है फिर उसको बढ़ा देता है अजर को मल्टीप्लाई कर देता है और वैसे भी हमें पता चलता है ना कि मोमिन तो जब नेकी का इरादा ही करता है तो उसको एक नेकी लिख दी जाती है और जब नेकी कर लेता है तो उसको कम से कम दस नेकियां शब महराज में, में भी और अशराम साह कुरान में भी इसका वाता है और रमजान में सत्तर गुनाए और फिर अल्लाह ने सूरा बकरा में तो क्या फरमाया सूर् बकरा में अल्लाह ने फरमाया मसल फिकुना कमसल हबन अम्बत सबा सनाबिला फी कुल्लिसन मिया तो हब्बा अल्लाह की राम में खर्च किए माल की मिसाल तो एक दाने की सी है जब उसको बोते हैं तो सात बालियां निकलती हैं और हर बाली में सौ दाने हैं तो कम कम से गुना और यहां पर क्या है सात सौ गुना से ज्यादा औखत पहाड़ जितना और इससे ज्यादा भी क्या है कि है कि सदका जो वो एक खजूर आधी खजूर जो है वो भी जहन्नम की आग को बुझाने के लिए यकीनी हो जाती है बाब नंबर पांच सदका देना चाहिए कबल इस जमाने के कि जब कोई सदका ना ले हदीस नंबर 710 सौ दस हजरत हारिस बिन वहाब रजील्ला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप फरमा रहे थे ऐह लोगो सदका करो क्योंकि तुम पर एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी अपना सदका लिए हुए फिरेगा मगर कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो उसको कबूल कर ले जिसको देने लगेगा वो जवाब देगा कि अगर तू कल लाता तो मैं ले लेता लेकिन आज तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं अलाम क्यामत में कि इतना सदका और इतना खराज और सब कुछ होगा कि माल की कसरत होगी और लोगों को सदके की जरूरत नहीं होगी असल बात यह कि सदके में जल्दी करने की ताकीद है हदीस नंबर सेवन सेवन इलेवन हजरत अबो हुर रजी अल्ला से रवायत है उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहि वसलम ने फरमाया कयामत उस वक्त तक बरपा नहीं होगी जब तक तुम्हारे पास माल की इतनी फरावानी न हो जाए कि वो बहने लगे और माल वाले को ये चीज़ परेशान करे करेगी कि उनको कौन कबूल करेगा नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि एक आदमी किसी को माल पेश करेगा तो वो जवाब देगा मुझे तो इसकी कोई जरूरत नहीं हदीस नंबर सात सौ बारह हजरत अदी बिन आतिम, आ, अदी बिन हातिम रजी उता ला उता ला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल वसलम के पास मौजूद था दो आदमी आए एक ने तो गुरबत और तंगदस्ती का शिकवा किया और दूसरे ने चोरी और डाका जनी की शिकायत की तो रसूल ला ने फरमाया रास्ते की बदमनी तो थोड़ी मुद्दत गुजरेगी कि मक्का तक एक काफिला बगैर किसी मुहाफिज के जाएगा रही तंगदस्ती तो कयामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी यहां तक कि तुम में कोई अपना सदका लेकर फिरेगा मगर उसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा फिर कयामत के दिन तुम में से हर शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होगा खिसाबीरा जबकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होगा और ना ही कोई तर्जुमान जो उसकी गुफ्तू नकल करे फिर अल्लाह उससे फरमाएगा मैंने तुझे माल ना दिया था वो अर्ज करेगा क्यों नहीं फिर अल्लाह तला फरमाएगा मैंने तेरे पास पैगम्बर नहीं भेजा था वो अर्ज़ करेगा क्यों नहीं फिर वो अपनी दाई तरफ देखेगा तो आग के अलावा उसे कोई चीज नजर नहीं आएगी और अपनी बाई तरफ नजर डालेगा तो उधर भी सवाए आग के कुछ नहीं होगा लिहाजा तुम में से हर शख्स को आग से बचना चाहिए अल्लाह नाम अगर खजूर का टुकड़ा ही देकर अगर ये भी मुमकिन ना हो तो अच्छी बात ही कहकर क्योंकि ये भी सदका है हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन का नज़ारा दिखाया अल्लाह सुबहाना तआला कुरान में भी फरमाते है ना जब बंदा तन तन्हा अकेला तन तनहा बगैर किसी रुकावट के किसी आड़ के किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कोई तर्जुमान नहीं है तो अल्लाह फरमाएगा कोई इंटरप्रेटर नहीं है सीधा अल्लाह अपने अर्श पर बंदे के साथ मुखातब होगा लक़द जे तुमूना फुरा कमा खल ना कुम अफला मर्रा आज अकेली आ गई हो जैसे मैंने तुम्हें पहले पैदा किया था और आज सब कुछ ही पीछे छोड़ आई तो ये उस वक्त का मौका है कि अल्लाह सुबहाना सवाल करेगा माल दिया था माल दिया था तो कहेगा अल्लाह दिया था ये वही है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्मत का फकीर कौन होगा आपने फरमाया मेरी उम्मत का फकीर वो शख्स नहीं होगा जिसके पास माल नहीं है मेरी उम्मत का फकीर वो शख्स होगा जिसके पास माल तो था लेकिन उसने खर्च करके अपने लिए सदका इजारिया नहीं बनाया क्योंकि बताती है ना कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनकता हो जाता है सिर्फ तीन अमल उसके बाद जारी रहते हैं एक नफा देने वाला इल्मों को फायदा फैज पहुंचाने वाला इलम वो दुनियावी है कुरान का है वो जो अपनी जिंदगी में लोगों को सिखा गया वो माल जो वो अपनी जिंदगी में अल्लाह की राम में खर्च कर गया या वो नेक औलाद जो वो अपने पीछे अपने लिए सदका जारिया छोड़ गया ये वो उम्मत का फकीर है जिसने अपने लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था अमल जारी रहने वाला इसीलिए हदीस आप आगे पढ़ेंगे रोज सुबह रोज शाम दो फरिश्ते आते न खर्च करने वाले के माल में दे रोक रखने वाले का माल बर्बाद कर दे रश के काबिल दो लोग हैं दो लोग हैं रश के काबिल जिनको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया वो सुबह शाम उसको दाएं बाएं लोगों को सिखाता है जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो सुबह शाम दाएं बाएं उसको खर्च करता है वो तीन लोगों का हिसाब अल्लाह के हजूर पेश होगा ना खर्च कैसे करता है बगैर रियायश राफ के तीन लोगों का हिसाब अल्लाह के सामने होगा एक शहीद का एक आलिम का और एक मालदार का अल्लाह मालदार से पूछेगा जैसे यहां पर सवाल आ रहे हैं क्या मैंने तुम्हें माल नहीं दिया था तुमने क्या किया वो कहेगा अल्लाह से वन तला तूने मुझे ढेर सा माल दिया था मैं सद्का खैरा करता था अल्लाह कहेगा नहीं तू झूठा है तू तो इसलिए खर्च करता था कि लोग कहें तू बड़ा गनी है तू बड़ा साहिब सरबत है तूने जो चाहता मैंने तुझे दुनिया में दे दिया यानी तेरी नामवरी होती थी बड़ा सखी है बड़ा खर्च करता है बड़ा स्पेंड करता है तूने जो चाहता मैंने तुझे दे दिया और उसको मुंह के बल घसीट के दुनिया जहनों में फेंक दिया जाएगा क्योंकि वो खर्च किसके लिए करता था रिया नास लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता था रिया दिखावे का तो सदका शिर है लिल्ला फिल्ला खर्च किया अल्लाह की रजा के लिए किया ही नहीं दुनिया को दिखाने के लिए किया था अपनी नाम भरी अपनी शोहरत अपने डंके बचाने के लिए किया था और यहां माल खर्च करके अपनी शोहरत बना के कोई दुनिया का फायदा कोई सीट कोई अहदा कोई इकदार अपने कारोबार की बढ़ोतरी और तरक्की करने के लिए किया था और वो भी वो भी क्यामत में सवाल है ना कि अला सुबह ताली फरमाएंगे हे इबन आदम मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया अल्लाह तू कैसे भूखा था मेरा फला आदमी भूखा था तू तो मुझे वहां पाता है इबन आदम मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया मेरा फला आदमी प्यासा था तू मुझे पिलाता वहां पाता मेरा फला आदमी बीमार था एबन आदम मैं बीमार था तू मेरी यादत को नहीं आया मेरा फला आदमी बीमार था तो उसकी यादत को जाता तो तू मुझे वहां पर पाता किस चीज़ को पाता अल्लाह की रहमत को अल्लाह की बख्शिश को अल्लाह की रजा को पाता और फिर वो भी हदीस है कि जो किसी भूखे को खिलाएगा अल्लाह उसको जन्नत के मेवों में से खिलाएगा जो किसी प्यासे को पिलाएगा अल्लाह उसको जन्नत के मशरूबात में से पिलाएगा जो किसी बेलिबास को पहनाएगा अल्लाह उसको जन्नत के हुल्लों और गाउस में से लिबास पहनाएगा तो ये वो सदका और खैरात है जिसका तस्करा किया जा रहा है सदका वो है सदका वो है अल्लाह की राह में सिद के दिल से जो माल खर्च करते हैं वो फर्ज हो सकता है वो फर्ज से ज्यादा हो सकता है लेकिन सदका हर आने वाली आफत को टाल देता है सदका बुरी मौत को आसान कर देता है सदका अजाब कबर के फरिश्ते जब दाएं की तरफ से आते हैं तो नमाज पैंथी की तरफ से आते हैं मस्जिद की तरफ जाने वाले कदम जब बाएं की तरफ से आते हैं तो जक़ात रोकती है आगे से आते हैं तो सदक रोकेंगे सरहाने की तरफ से कुरान रोकेगा तो ये अजाब कबर को दो तरफ से रोकेंगे तो ये सदक ही तो रोकेंगे महतान हशर में महतान हशर में साया सूरज सवा ने पर है अल्लाह के अर्श के साय के अलावा कोई साया नहीं है लोग अपने अमाल के हवाले से अपने पसीने में डूबे सदका साया बन जाएगा जिसका सदका जितना ज्यादा जिसने ज्यादा खलूस और इखलास से दिया उतना साया बड़ा उतना साया घना होगा और जिसने छुपा के दिए दाएँ हाथ से देता था बाएं हाथ को नहीं पता वो अल्लाह के यश के साय में होगा अल्लाह के सामने हिसाब है अल्लाह के गजब को सदका ठंडा करेगा पुलसरात पर सदका नूर बनेगा और फिर जहनुम की आँख को ठंडा करने का जरिया बनेगा फिर बाबू सदका में से दाखिले का जरिया बन जाएगा तो यह सदका है अल्लाह हमें इसकी तोहफी कता फरमाए बाब नंबर छे आग से बचो अगरचे खजूर का एक टुकड़ा देकर और थोड़ा सा सदका ही क्यों ना हो हदीस नंबर 712 हजरत अबू मूसा आशरी रजी ताला से रवायत है कि वो नबी सल्लाम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया लोगों पर एक वक्त आएगा जिसमें आदमी खैरात का सोना लेकर गश्त लगाएगा मगर कोई लेने वाला नहीं मिलेगा और देखने में आएगा कि एक मर्द के पीछे चालीस चालीस औरतें फिरेंगी और वो उन्हें अपनी पनाह में ले ले दरअसल ये इस बिना पर होगा कि मर्द कम हो जाएंगे औरतों और की कसरत होगी तो लिहाजा इस हदीस में भी अल्लाह सुबहाना तीस वही वक्त जो है उसकी निशानदेही फरमा रहे हैं और सदका देने की ताकीद फरमा रहे हैं बर वक्त सदका देने का तरीका सिखाया जा रहा है हदीस नंबर सेवन हंड्रेड एंड फोर्टीन हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह से तवायत है कि उन्होंने फरमाया कि जब रसूल अल्लाह वसम हमें सदके का हुक्म देते थे तो हम में से कोई बाजार जाता था और बोझ ढोता था मजदूरी में से जो एक मुद्द मुद्दा मिलता था यह मयरिन का पैमाना है एक मुद्द मद्दला मिलता था तो उसको सदका कर देता था आज ये हालत है कि बाज लोगों के पास एक लाख दिरहम मौजूद है हयातबा में सहबा क़राम का एक तरीका और फिर आपके वफा के बाद जो बाद के लोग हैं उनका एक अंदाज और माल की मोहब्बत और खेरस का तरीका सिखाया जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सदकात और अल्लाह के राम में खर्च करने वाले माल की बरकत उसकी उसकी फयूज उसकी फजीलतें उनके अजर का तारुफ करते थे ना तो फिर और जब कुरान में आया था यह आती थी ना सदक के हवाले से और इन्फाक के हवाले से और जो अल्लाह ने अजर का वादा किया होता था और जो बख्शिशों और रहमतों के तस्करे किए होते थे तो कुरान और उन हदीस की तलीमत को और फिर नबीम की सुनतों को देख कर क्या आप तो किसी सवाली को खाली याद लौटाते नहीं है ये सब देखने के बाद ना सहाबाक कराम भी उसी रविश और उसी डगर को अपनाते थे कुरान जब कहता था खर्च करो तो वो उठते थे और खर्च करते थे ये वो लोग हैं ना जो कुरान की आयत पर नावजिला अंधे बहरे होकर नहीं गिरते थे रिस्पॉन्ड करते थे रिएक्ट करते थे रिसिप्रोकेट करते थे वो जो लामा बार ने फरमाया ना तुम्हें अपने आबा से तुम्हें अपने आबा से नस्बत हो नहीं सकती तुम साबित वो सही आ रहा वो चलते थे वो इफेक्टिव थे वो मुतहरक थे वो फंसा बिकुल खैरात यहां पर फरमाया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सलासम कहते थे सदका करो तो किसी शख्स के पास माल नहीं होता था तो वो क्या करता था वो परेशान होके डिसंट होके मायूस होकर नाउमीद होके बैठ नहीं जाता था और यहाँ वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर लेता तो मेरे पास तो है ही नहीं है मैं क्या करूं जब वो देखता था कि मेरे पास माल नहीं है तो वो मायूस और नाउमीद नहीं होता था वो कहता था माल नहीं है तंदुरुस्त आजाद तो है ना हाथ पाऊं सलामत है मैं जाऊं मैं काम करूं कमाऊं और उसमें से सदका कर दूं वो वाक्य आते हैं ना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजबा तबूब के मौके पर जिहाद फंड मांगा था तो कैसे सहाबा इक्राम ने सदका दिया अब वो जिहाद फंड में स्प्रेन किया था हजर अब्दरहन बिन और रजी अल्लाह तशरीफ लाए थे ढेर सा माल लाए आप सल्हुल ने फरिया अब्दुलरमान क्या लाए हो कितना लाए हो कितना छोड़ के आयो ये सवाल आप सबसे करते जा रहे थे तो हजरत अब्दुररमान बिना और रजी अल्लाह तरमाया रसूल सलम जब मैं अल्लाह के राम में देता हूँ तो मैं गिन के नहीं देता और जब मैं पीछे छोड़ता हूँ तो मैं देख के नहीं छोड़ता यानी जो हाथ में आता है देता जाता हूँ लिल्ला फिल्ला फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तला ने उसने आपने सुना था ऊपर नीचे आठ दफा सौ ऊंट अल्लाह की राह में दिए थे और लदे हुए सामान के और चौथाई लश्कर का सामान दे दिया था वन फोर्थ कस्बा तबू की तैयारी का सामान दिया था और आठ दफा जन्नत की खुशखबरियां पाई थी हजरत उमर भी सामान लाए थे हजरत अबू बकर सदीक रसी तभी भी सामान लाए थे ला आधा सामान ले आए थे हजर अबू बकर के रसूलसम का नाम छोड़ा हूँ घर वालों के लिए तो जब आप खुशखबरियाँ दे रहे हैं जन्नत की और आप उनके साथ राजी हो रहे हैं तो एक सहाबी थे हजरत अबू अकील रसी अल्लाह तन वो बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे जन्नत की खुशखबरियाँ मिल रही है कैसे रसूल अल्लाह की रजा की खुशखबरियाँ दे रहे हैं तुमके दिल में ख्वाश हुई काश मेरे पास भी होता एंड देनी मैं सेहत मंदूं एक यहूदी का सारी रात कुआं जो है वो उसको पानी उसका निकाला कुएं में बैल वगैरह और जानवर जोते जाते हैं उसकी जगह वो खुद काम किया उन्होंने और सारी रात उसका कुआं जो है वो उसमें से पानी निकाला और उसकी फसलों को सेंचा और सुबह उसको एक साह उनको खजूरें मिली आधी अपने घर वालों को दी क्योंकि घर में फाका था और आधी जो है वो जिहाद फंड के लिए नबी सलिम की खिदमत में पेश कर दी और जब ये लेकर आए थे ना तो मुनाफिकीन जो बैठे थे उन्होंने मजाक उड़ाया उन्होंने कहा लो ये खजूरें लेकर रोम फता करने आए अल्लाह सुबहाना ताला ने इस मुखलिस साहबी को जिन्होंने अल्लाह की राह में पूरे खलूस के साथ ईसार के साथ सेक्रीफाइस के साथ अपने खून पसीने की कमाई के साथ जब खर्च किया था जिहाद फंड के लिए तो अल्लाह ने उन मजाक उड़ाने वाले मुनाफिक का मजाक उड़ाया और उनकी नफी सूर तौबा में करके इनकी तारीफ फरमा दी मेरा रब बड़ा कदरदान है वो क्वांटिटी नहीं देखता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खजूरों को सारे माल पर बिखेर दिया था एक से एक लोगों ने सहाबा इकराम ने माल खर्च किया था आठ सौ ऊंट खर्च किए गए थे लेकिन उसका तस्करा कुरान में नहीं आया हजरत अबू वकील रजी अल्लाह तआला की खजूरों का तस्करा आ गया और उनके मजाक उड़ाने वालों की नफी और तरदीद कर दी गई कैसे खर्च करते थे सहाबा इकराम कुरान की आयात आती थी तो रिस्पॉन्ड करते थे बैठे नहीं रहते थे वो कुरान की आयत आती है मैं उकरदुल्लाजन हसना कि तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्जे हंसना दे सबू दादा उठे और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह हमसे कर्जे हसना मांगता है आपने फरमाया हां उसके बदले में तुमसे अल्लाह बागत का वादा फरमाता है मेरे दो बाग है मैं इनको कर्जे हसना देता हूँ आपने फरमाया एक रख लो एक दे दो आपने फरमाया मेरा बेहतर बाग है मैं देता हूँ वो बेहतर बाग में उनका घर भी था वो दे दिया जाते हैं राजी हैं मुतमिन है घर की दीवार के बाहर आके बीवी को आवाज देते हैं दादा मैंने ये बाग अल्लाह को कर्जे हंसना दे दिया अल्लाह से जन्नत के बागों का तलबगार हूं बीवी भी, भी दीन की मददगार है अब सौदा खूब किया खर्च करते हैं, खर्च करते हैं। पुटिंग देयर हार्ट टूट पुटिंग देयर माइंड टू इट यहाँ तो जकते देना मुश्किल हो रहा है यहाँ तो जकते नहीं दी जा रही है वहां तो सारा कुछ उड़ेलते चले जा रहे हैं हजतायशाह रजी अल्लाह त वाक्य नबी सलाम की वफ़ात के बाद वालिद भी फौत हो गए हैं शोहर भी नहीं है बेटा भी नहीं है कोई माली इतना लम्बा चौरा जरिया भी नहीं था तो अपने भांजे को उन्होंने हजरत उर्वा बिन उर्वाज़रत अब्दुल्ला हजार दीनार भेजे तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने जब वो एक हजार दीनार मिले तो वो सारे के सारे लोंडी को के तकसीम कर दे रोजे में थी उस दिन अब शाम को जब खाने का वक्त हुआ तो लोंडी से कहा खाना लाओ तो उन्होंने कहा जितना माल आया था आपने तो लाला फिल्ला तकसीम कर दिया तो जताइशा रजी अल्लाह तला ने फरमाया तुमने याद करा दिया होता मतलब ये वो लोग थे जिनको अपनी ख्वाहिशें अपनी जरूरतें अपना पेट अपना खाना अपना पीना अपना पहनना ओढ़ना अपने सोफों की टपेस्ट्रिया अपने पर्दों की चेंजिंग अपने अपने घरों को रीडू करना ये याद ही नहीं होता था अपनी जात याद ही नहीं दुनिया याद ही नहीं याद, ही नहीं, याद है तो जन्नत है परवाह है तो अल्लाह की है अप्रेड करना है तो नेकियों को करना है फिर एक और मौके पर रोजे में है सिद्दी का तो एक शख्स आया खाना मांगने के लिए तो हजरत आयशा ने कहा कि इसको दे दो तो लॉन्डी ने पिछली दफा कहा था ना याद करा देना अब लॉन्डी ने कहा आज अब रोजे से और खाना यही है हजरत आयशा रजी अल्लाह ने फरमाया दे दो अल्लाह और दे देगा खर्च वही कर सकता है जिसको तवक्ल होता है जिसको यकीन होता है अल्लाह पर और जिसको कनात होती हम सयो के घर की तरफ से कुछ खाना आ गया हजरत आयशा फरमाती है देखा अल्लाह ने भेज दिया ना और वैसे भी हदीस के अल्फाज है ना कि सदका करने से माल कम नहीं होता हदीस नंबर सात सौ पंद्रह हजरत आयशा रजील् ताल से रवायत है कि औरत सवाल करती हुई आई जिसके साथ उसकी दो बेटियां भी थीं उस वक्त मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ भी नहीं था मैंने वही खजूर उसको दे दी उसने अपनी दोनों बेटियों के दरमियान तकसीम कर दिया और खुद उसमें से कुछ भी निकाया जब वो चली गई और नबी सल्ला वसम तशरीफ लाए तो मैंने आपसे इसका जिक्र किया जिस पर नबी सल्ला वसलम ने फरमाया जो शख्स इन लड़कियों की वजह से किसी तकलीफ पर मुबतला होगा उसके लिए ये लड़कियाँ आग से पर्दा बन जाएंगी सुबह अल्लाह कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे पैगाम हैं। हजरत आयशा के पास एक ही खजूर है और वो सवाल करने वाली खातून आती है और हजरत आयशा क्या करती है वो खजूर दे देती है एक ही खजूर थी वो ही दे दी असल में ये वो लोग हैं ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बड़ी बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे और फिर उनको कॉपी करते थे क्योंकि ग्लैमराइज ही रसूल कर रहे आइडियलाइज ही उनको करें रोल मॉडल ही उनको बना रहे नबी वसलम का तरीका था कि जब सवाल ही आता था तो खाली हाथ लौटाते ही नहीं थे और नबी वसलम का तस्किया था हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा का कि वो जब बकरी की दस्ती रखी थी और फरमाया था क्या रसोल सलम वो बकरी का शाना बच गए और बकरी खर्च हो गई सदके की बकरी के हवाले से तो आपने फरमाया तयशा ऐसे ना कहो बकरी बच गई शाना खर्च हो गया यानी जो मैंने तुमने खाना है वो खर्च हो गया ये तरबियतें हो गई थी तस्किया हो गया था उनके पास एक ही खजूर है वो भी दे दी और पता है ना कि जहनमुम की आग से बचो चाहे खजूर का टुकड़ा देकर तो ये सारी अहदीस ये सारी सुन्नतें ये सारी नबी सलम की तरबियत इनको असर करती थी अल्लाह ये जो मैं और आप बुखारी पड़ रहे हैं ना रोज दो दो घंटे इस पर लगा रहे हैं ना अल्लाह इसको हमारी तरबियत हमारी तस्किया हमारी इसलाह हमारे ईमान में इजाफे का जरिया बनाना अजत रजी तआला ने वो मून का आखिरी लुकमा वो खजूर उसको दे दी अब ये ईसार है उस माँ ने क्या किया उस माँ ने वो खजूर बांट के दोनों बच्चियों को दे दी एक माहौल है ना ईसार और सेक्रीफाइस का और वैसे भी पता चल रहा है ये क्या है ये माँ मुसना है माँ का एहसान का अंदाज वो वालदेन व वा बिल वाले एहसाना ये माँ एहसान है इसीलिए इसका तीन दर्जे रखे गए हैं इसीलिए इसका हक हाँ अल्लाह के हक हाँ के बाद सबसे ज्यादा रखा गया माँ ने वो दो टुकड़े करके दोनों को दे दिए क्या रवैया माँ के एहसान का रवैया माँ का औलादों के दरमियान अदल का रवैया माँ का इशार है और आपने ऐसा इशार और अदल और एहसान करने वाली माँ को खुशखबरी दे दी कि ये माँ जो अपनी बेटियों के साथ अदल कर रही है एहसान करी है इशार कर रही है, है। अल्लाह इन बेटियों को इसके लिए जहन्म की आग का जहन्नम से पर्दा बना देगा ये बेटियां हैं ये बेटियां हैं जिन पर एहसान किया ये बेटियां हैं जिनको खिलाया पिलाया ये बेटियां हैं जिनके साथ अदल किया तो ये जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी ला तकरे हुल बनाती बेटियों से नफरत ना किया करे कराहत ना किया करे एक बेटी के बाद अल्ट्रासाउंड पर अगली बेटी पता चल जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं दिल तंग हो जाते हैं घबराहटें है, है, आम हो जाती हैं रही तो जहन्नुम से आड़ है ये जहन्नुम से पनता है ये बेटियां और फिर जहन्नम से क्या है वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो दो बेटियों से आजमाया गया उसने बेटों को बेटियों पर तरजीह नहीं दी उनको अला तालीम और तरबियत दी उनकी जायज जरूरतों को पूरा किया और जब वो बालिग हो गई तो उनका निकाह कर दिया आपने फरमाया वो मेरे साथी यूं होगा वो मेरे साथ यू होगा हो अल्लाह सुबहाना तला अल्ला सुबहना ताला हमारी बेटियों को ईमान और इस्लाम अता फरमान अल्लाह जिस जिस की बेटियां जहां जहां हैं अल्लाह उनको दीन ईमान इस्लाम सुकून अता फरमाना अल्लाह उनको सेहतें अता फरमाना अल्लाह उनको अपने घर में बरकतें और रहमतें अता फरमाना अल्लाह जितनी मोहब्बत जितनी इज्जत जितना सुकून उन बेटियों को हमारे घर में मिला अल्लाह उससे ज़्यादा मोहब्बत सुकून उनको अपने अगले घरों में अता फरमाना अल्लाह उनकी औलादों को उनके अजवाज को उनकी, उनकी आंखों की ठंडक बना दे अल्लाह हमें उनकी तरफ से खैरियत की और आफियत की खबरें अता फरमा दे अल्लाह मेरी जिस जिस साथी की बेटियाँ अल्लाह मेरी बड़ी प्यारी कुछ बहनों की बेटियाँ बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाता फरमा कुछ अपनी बेटियों के लिए औलादों की दुआएं करती अल्लाह उनकी भी आंखें ठंडी फरमा अल्लाह जिनकी बीमार हैं जिनकी हामला है जिनकी तकलीफ़ों में है जिनकी दुखों में है जिनकी माशी तंगियों में अल्लाह सब के मसले आसानी और सहूलत से हल कर दे अल्लाह में अपनी माओ के लिए और हमारी बेटियों को हमारे लिए आंखों की ठंडक और सदका का इचारिया बना बाप नंबर सात कौन सा सदका अफजल है हदीस नंबर सात सौ सो सोलह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह से रवायत है उन्होंने फरमाया कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सदका अजर और सवाब में सबसे बेहतर है आपने फरमाया वो सदका जो तू तंदरुस्ती की हालत में दे जबकि तुझ पर माल की हिरस भी गालिब हो और तुझे नादारी का अंदेशा भी हो और तवंगी की ख्वाहिश भी हो उस वक्त का इंतजार ना कर जब दम हलत आ जाए उस वक्त तो कहे फला को इतना दे दो फला को इतना हालांकि अब तो वो अज खुद ही फला और फला का हो चुका ये हदीस बिल्कुल कुरान की सूरा बकरा की वो आयत है ना जो अल्लाह तआला ने फरमाया यूना आमन आ फिकुम रो जकना यौम या ला बई वला ही वला शिफात वल काफिरून फिर हम ऐ लोगो जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है ना उसमें से खर्च करो उस दिन से पहले जब ना कोई दोस्ती हो ना दोस्त नवाजी हो ना कोई सौदा हो और ना कोई सिफारिश हो और अगर तुम माल होने के बावजूद खर्च करने का इनकार करते हो तो फिर तुम जालिम हो तुम अपने आप को दानिस्ता उम्मत के फकीर बना रहे हो तुम दानिस्ता अपने आप को फरिश्तों की उस बद के हकदार बना रहे हो तुम अपने आप को जहन्नुम की आग से बुझाने और अल्लाह के गजब करने वाले अमल से महरूम करने की बुनियाद पर अपने जान के ऊपर जुल्म कर रहे हो तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने यहां पर भी खर्च करने की ताकद की कि, कि खर्च करो उस वक्त से पहले जब जान लबों पे आए उस वक्त तुम कहने लगो यानी पहले तो अपने पास ही रखते हैं आखिरी वक्त की सिक्योरिटियों की शक्ल में रख लीजिए जरूरी जितना है फिर वो वरासत की शक्ल में हो जाएगा तकसीम लेकिन हिरस्स और बुखल में फिर उस वक्त तकसीम करने लगते वो वही है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायाबन आदम कहते हैं हाय मेरा माल हाय मेरा माल इब्न आदम तेरे माल में से तो तेरा माल वो है जो तूने खा के उड़ा दिया जो तूने पहन के पुराना कर दिया या जो तूने अल्लाह की राह में खर्च करके अपने लिए सदका जारिया बना दिया लेकिन हाल ये अल तकासर। तकासर है कि अल्लाकू मत तक तकासुर है कि इबन आदम का हाल ये कि दो वादियां भी सोने की हों तो वो चाहेगा तीसरा मजीद है और ये सोने की वादियां इकट्ठी कर करता जाता है और सदका दिए बगैर याद रखिएगा अगर ज़कात और सदक़ात अदा कर दिए गए हैं और जक़ात दे दिए तो फिर माल कंज नहीं रहता फिर उस माल को जमा करना बहरहाल जायज और हलाल हो जाते हैं बाब नंबर आठ हदीस नंबर सेवन हंड्रेड एंड सेवनटीन हजर तायशा रजी अल्लाह से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बीवियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया वफात के बाद हम सब में से सबसे पहले आपको कौन मिलेगा आपने फरमाया जिसका हाथ तुम में से सबसे लंबा है चुनाचे उन्होंने छड़ी लेकर अपने हाथ नापने शुरू कर दिए नबी नबीम तो इश्तारे में फरमाया था हजरत सौदा रजी अल्लाह तहा का हाथ सबसे बड़ा निकला मगर सबसे पहले हजरत जैनब रजी अल्लाह तहा की वफात हुई तब हम लोगों ने समझ लिया कि हाथ की लंबाई से मुराद खैरा करना है वो हमसे पहले रसूल मिली उन्हें सदका देने का बहुत जोक और शौक था लंबे हाथ का मतलब यह कि खुले हाथों से हाथों की कुशादगी से खुले दिलों से निगाहों की वस्सत से खर्च करना उम्मल मसाकिन का लकब उनको दिया गया था और बढ़ के सदका खैरात करने वाली थी ये सदक ने मौत को भी आसान किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात को भी आसान बाब नंबर नौ अगर ना तौर पर किसी मालदार को सदका दे दिया जाए हदीस नंबर 718 हजरत अबू हुररा रजी अल्लाह रवायत है कि रसूल सल्ला ने फरमाया एक शख्स ने तय किया कि आज मैं सदका दूंगा जब वो सदका लेकर निकला तो उसने ला में एक चोर के हाथ पर रख दिया सुबह के वक्त लोगों में चे मगोया होने लगीं कि एक चोर को सदका दिया गया उस शख्स ने कहा ऐ मेरे मबूद तारीफ सिर्फ तेरे ही लायक है अच्छा मैं आज फिर सदका दूंगा चुनाचे वो अपना सदका लेकर निकला तो अब ना दानिस्ता तौर पर एक जानिया को दे दिया सुबह के वक्त लोग फिर बातें बनाने लगे कि गुजश्ता रात एक सानी एक जानिया को खैरात दी गई जिस पर उस शख्स ने कहा ए मेरे मबूद सब तारीफें तेरे लिए हैं मेरा सदका तो जानिया के हाथ लग गया अच्छा मैं कुछ और सदका दूंगा चुनाचे वो फिर सदका लेकर निकला इस तफान जाने में एक मालदार के हाथ पर रख दिया सुबह के वक्त लोगों में फिर चर्चा हुआ एक अमीर आदमी को सदका दिया गया है उस शख्स ने कहा ऐ मेरे माबूद तारीफ सिर्फ तेरे लिए मेरा सदका एक مرتبہ चोर को मिला फिर एक बदकार को मिला फिर एक मालदार को मिला आखिर ये क्या माजरा है कि मतलब मुझे अजर मिलेगा कि नहींチナची उसे ख्वाब में कोई शख्स मिला उसने बताया कि तुम्हारा सदका कबूल हो गया है जो सदका चोर को मिला था ना तो मुमकिन है वो चोरी से बाज आ जाए इसी तरह जानिया को जो सदका मिला था ना तो शायद वो जिना से रुक जाए जो सदका मालदार को मिला था मुमकिन है कि वो इबरत हासिल कर ले जो अल्लाह ने उसे दिया उसमें से खर्च कर ले बड़ा खूबसूरत सा वाक्य है और बहुत से लोगों की जो एक मिसकनसेप्शन है उसको ये वाक्य बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा है कि अगर हम सदका दे देते हैं और हम जकआात दे देते हैं तो क्या अगर वो डिजर्विंग को नहीं मिलती और हमें पता ही नहीं चलता कि वो शख्स वाकई मुस्तक भी था और बाद में पता चल जाता कि वो तो मुस्तक जकआत ही नहीं था मसल जैसे सबसे बड़ी चोर तो हमारी हुकूमत और सरकार है अगर हम हुकूमत को सरकार को पैसे दे देते हैं और उनके जक़ात में चला जाता है तो क्या हमने दे दिया तो वो कबूल हो गया कि नहीं हुआ तो लिहाजा उसके हवाले से ना ये हदीस बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट समझाती है कि सदका देने वाला जब सदका देता है असल में अगर आप ये देखें तो इस शख्स ने रात को सदका क्यों दिया था इसे रात की अंधेरे में इसलिए दिया था कि ये छुप छुपा के पोशीदा तरीके से देना चाहता था उसमें रिया दिखावा नमूदो नुमाइश नहीं चाहता था आपको पता है ना कि अल्लाह के अर्श के सये में जो सात कुछ नसीब होंगे उनमें से एक कौन सा होगा जो कैसे सदका करता है कि दाएं हाथ से देता है तो बाएं हाथ को खबर नहीं होती सदके इलानिया भी दिए जा सकते हैं पुशीदा भी दिए जा सकते हैं कुरान में दोनों चीजों की ऑप्शंस दी गई हैं अल्लाह ने कुरान में बताया है कि अगर एलानिया दो तो भी तुम्हारे लिए अच्छा और अगर तुम पोशिदा दो तो भी तुम्हारे लिए अच्छा है तो हमें मुफरीन बताते हैं कि एक तो एलानिया जो है वो जक़ात दी जाएगी क्योंकि ये फर्ज है ना इस इसमें कोई शो ऑफ करने कोई फ्लॉन्ट या बोस्ट करने की कोई बात ही नहीं है इस पर क्या दिखावा हो सकता है फर्ज कर रहे हो अल्लाह का पूरा तो फर्ज जो है ना जक़त वो एलानिया दी जा सकती है और स्पेशली ओवर तब भी दी जा सकती है जब इसका मतलब दावत है किसी को याद कराना है एक बहन जक़ात देती है और वो तस्करा करती है अपनी तीन बहनों के दरमियान बैठ के तो जो दूसरी नहीं दे रही थी हो अच्छा तुमने दे दी मैंने नहीं दी तो याद दिहानी की नीयत से अगर दिखा बता के दी जा रही है तो जकत याद दहानी की नीयत से वो गलत नहीं है अब फिर कई दफा बताने का मकसद ये होता है आप देखें कि एक माली तौर पर कंपैरेटिवली बहुत इकोनॉमिकली तंग है और एक बहुत मालदार है और तंग वाली जक़ात देके कहती है शुक्र है अभी मेरी तो जक़ात निकल गई तो दिस इज इस... वट वो जो मालदार वाली अभी तक बुखल करके नहीं दे रही उसके लिए बहुत अहम पैगाम है ये इस इकोनॉमिक स्टेटस में भी दे रही है मैं भी दे दू तो गोया जक़ात जो है ना वो इलानिया दी जा सकती है लेकिन सदक़ जो मोर देन दैट है ऑन टॉप ऑफ जक़ात है उसमें चूंकि एक दिखावा एक रिया और नमूदो नुमाइश का आंसर है तो उसको पोशीदा दिया जा सकता है और देना पसंदीदा होगा मोर ओवर अदर दें दैट एक और तरीका कार भी है अगर इजतमाही कामों के लिए अगर कलेक्टिव इज्तमाही कामों के लिए कोई मदरसा बन रहा है कोई दीन की अशात है तबलीग है जिहाद का कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए दिया जा रहा है तो उसके लिए ऐलानिया दी जा सकती है लेकिन अगर एक फर्द को दी जा रही है चाहे जक़ात है चाहे सदक है तो उसको छुपा के देना बेहतर है कि उसकी उसकी जो सेल्फ इस्टीम है उसकी ईगो है उसकी अना उसकी खुददारी जो है उसको ठेस ना लगे और वो हर्ट ना हो तो डिफरेंट कंडीशन हैं जो फर्ज सदक़े के लिए नफल सदके के लिए इज्तमी सदके के लिए इनफरादी सदके के लिए ये चीजों को टेलर और एडजस्ट किया जा सकता है तो अगर जकत दी जा रही है अगर इंडिविजुअल को दी जा रही है तो उसको छुपा के दे दिया जाए लेकिन अब सदका दिया जा रहा है और इज्तमी काम के लिए दिया जा रहा है तो उसको हाईलाइट करके दिया जा सकता है यहां पर उसने पोशीदा तौर पर इसीलिए किया कि रात के अंधेरे में दे ताकि किसी को पता ना चले ये अर्शे इलाही के हसूल की तरफ है

कि ए लोगो जब तुम सदका करते हो तो एहसान जिताकर दुख देकर जली कटी बातें मेरे टुकड़ों पर तुम पली हो मैं ना हाथ पकड़ती तो तुम फुटपाथों पे ख्वार हो जाती धक्के खाती जली कटी ना सुनाओ और रिया ना करो क्योंकि रिया की नमाज शिरक है रिया का सदका शिरक है तो गोया ये तरीका भी नहीं अपनाना इसने रात के अंधेरे में किया और फिर किसी से इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया एक दिन चोर को मिला एक दिन जानिया को मिला एक दिन मालदार को मिल गया मालदार भी देखे ना कितना हरी से माल होने के बावजूद भी सदका ले गया ये की हद है लेकिन बहर आज इसको यह परेशानी हुई कि डिजर्विंग और मुस्तक तक नहीं पहुंचा तो पता नहीं मुझे अजर मिलेगा भी नहीं अल्लाह क्या कहता है इन्ना माला मालू बिनियाद तो में हदीस ने बता दी ना अल्लाह तो हमारी नियतों को देखता है अल्लाह सुबहाना तला तो इतना कदरदान है कि जब नेकी का इरादा करते हैं तो एक नेकी लिख देता है कर लेते हैं तो कम अज कम दस सत्तर गुना सात सौ गुना और फिर पहाड़ जितना बड़ा अजर दे देता है तो अल्लाह बड़ा कदरदान है देने वाले ने जब दिया अल्लाह की रजा से दिया सच्चे दिल से दिया तो अल्लाह उसको जरूर कबूल कर लेता है चाहे वो ठिकाने लगे चाहे वो मुस्तक तक पहुंचे या ना पहुंचे अगर गैर मुस्तक तक पहुंचे

को ना भी मिला अगर सही ठिकाने पर ना भी पहुंचा और देने वाले के बाद किसी ने उसको मिस कर भी लिया तो देने वाले को अजर मिल जाएगा लेने वाले का और उसके रब का मामला है वो जानेगा कि उसने कैसी ख़यानत झूठ बेईमानी और बदहदी का मामला किया और फिर दूसरी बात खैर बहरहाल में ये जरूरी बता दू कि अगर देने वाला देगा और देने से ये वो मैं आपको ये भी बताऊं कि ये बिल्कुल वो कैफियत है ना कि वो देने के बाद परेशान हो रहा था कि पता नहीं कबूल होगा अभी कि नहीं क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि देखियाँ करनी भी ज़रूरी हैं और नेकियों की कबूलियत की फिक्र और दुआ करनी भी ज़रूरी है और वो जो अल्लाह कुरान में कहते हैं ना कि वो देते हैं जो देते हैं और दिन लुन के डर रहे होते हैं वो यही कैफियत होती है लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूरी मैं हाईलाइट करूंगी कि अगर कोई शख्स देते वक्त तहकीक करता है तस्दीक करता है वेरिफिकेशन की कोशिश और भाग दौड़ करता है कि ये जिसको मैं देने लगा हूँ या जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं दे रहा हूँ ये सही है ये दुरुस्त है यहाँ मिस यूज तो नहीं होगा ये मुस्तहिक है अगर वो एफर्ट और वो सही और कोशिश करता है इन्वेस्टिगेशन और तहकीक की तो इनशाला फिर उसको उसका अजर बढ़ा के दिया जाएगा क्यों एक तो उसके सदके का अजर होगा दूसरी उसकी एफर्ट और कोशिश का अजर होगा और तीसरा उसके ठिकाने लगने की वजह से उसके लिए अजर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो लिहाजा ये कर लेना अगर किसी के पास वक्त और सलाहियत और रिसोर्सेज और इसबाब है तो ये ही कर लेना चाहिए और आज कल के दौर में और आज कल के हालात में जब एक से एक बेईमान और धोखे बाज दगाबाज लोगों के सदकात के ऊपर पहले ही निगाह लगा के बैठे हुए फ्रॉड करने वाले लोग Per per ऑन टॉप जब माशे में सदका और खैरात करने वाले लोग पहले ही बड़े थोड़े हैं और सदका पहले ही बड़ा कसीर है तो ट्राई टू मेक श्योर एंड ट्राई टू इंश्योर कि आपका सदका मुस्तकिन तक पहुंचे और आपका सदका उस जगह पे पहुंचे या जक़ात उस जगह पे पहुंचे जहां वाकई वो सही तरीके से यूटिलाइज और इस्तेमाल और मस्तकन पर इस्तेमाल की जाए अल्लाह में इस दूर अजर का भी हिरस्ता फरमाए और इसी को इंश्योर करने के लिए इसीलिए कुरान और हदीस में जब सदका और खैरात का तरीका बताया जाता है तो फिर क्या है आती अपने कराबत दारों से सदके और खैरा का आगाज करने का मामला बताया जाता है बिकॉज ये वो इनर सर्कल है जिनकी माली कफालत और इकनॉमिक सिचुएशन का हमें कोई धोखा और कोई शक नहीं होता और वो हमसे फ्रॉड करके गेट अवे नहीं कर सकते तो ये बहुत से अहकाम है शरीय के जिनकी हिकमत है इन श्रा रिश्तेदारों को देने के ऊपर खर्च कर, कर सदका खैरा देने पर बात में आगे करूंगी बाप नंबर दस बाप अपने बेटे को लाशूरी तौर पर यानी ना जानते हुए सदका देना हदीस नंबर सेवन हंड्रेड एंड नाइनटीन बिन यजीद रजी अल्लाह तुम से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैं मेरे बाप और मेरे दादा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की और फिर आपने मेरी मंगनी की और निकाह भी कराया एक दिन मैं आपके पास ये मुकदमा लेकर गया कि मेरे बाप ने यजीद ने खैरात की कुछ अशरफियां निकालकर मस्जिदी मस्जिद में एक शख्स के पास रख दी ताकि वो उन्हें तकसीम कर दे चनाचे मैं गया और वो अशरफियां उससे लेकर अपने घर चलाया मेरे बाप को पता चला तो उसने कहा अल्लाह की कसम मैंने तुझे देने का इरादा तो नहीं किया था बेलाखिर मैं मुकदमा रसूल सल्हसम के पास लाया तो आपने फरमाया ए यजीद तुम्हारी नीयत पूरी हो गई और ए मान जो तुमने लिया वो तुम्हारा है एक बाप और बेटे के मुकदमे के साथ बड़ी खूबसूरत बात समझ में आ रही है असल में वालिद ने जब अपना सदका खैरात निकाला था तो पोशीदा तरीके से निकाला था बेटे को शायद नहीं पता था उन्होंने मस्जिद में बैठे हुए किसी शख्स को दे दिया गोया मस्जिद में किसी को सदका खैरात देकर उसको तकसीम करने का मामला किया जा सकता है वो शख्स जिसके पास सदका था वो शायद लोगों को बता रहा होगा या पूछ रहा होगा कि किसको सदका चाहिए अब बेटा बेचारा जिसकी शादी हुई थी अभी हाल ही में शायद उसके माली मामला तंग थे उसने अपने बाप से तो नहीं मांगा लेकिन जहां सदका मिल रहा था उसने ले लिया बेटे को नहीं पता था

गैर इरादी तौर पर भूल चूक पर नसियान से जो काम हो जाता है उस पर कोई पकड़ नहीं है वही जो पिछली हदीस में भी पता चल रहा है उसने दानिस्ता किसी चोर या जानी को नहीं दिया था और इसमें भी बेटे ने दानिस्ता बेटे बाप ने दानिस्ता बेटे को नहीं दिया था ना बेटे ने दानिस्ता बाप का लिया था तो गोया गैर इरादी तौर पर भूल चूक से खता या नसीन से अगर सदका किसी गलत जगह भी चला जाता है तो देने वाले को उसका अजर मिल जाता है और वैसे बाप का सदका बेटे को अगर बेटा बाप पे डिपेंडेंट है तो फिर बाप बेटे की कफालत करना अगर बाप की जिम्मेदारी है और वो डिपेंडेंट बेटों में से है तो फिर वो उसको जकवात नहीं दे सकता ये मैं बताती चलूं कि मर्द हमेशा आगे भी बात आएगी मर्द के जो जेरे कफालत लोग हैं उनको वो जक़ात नहीं दे सकता उनके अलावा लोगों को मर्द जक़त दे सकता है औरतों के क्योंकि जेर कफालत का कोई तस्वूर ही नहीं है औरतें हर रिश्ते में जकवात दे सकती हैं बशर्ते के वो मुस्तक जक़ात हैं बाब नंबर ग्यारह जो शख्स खुद अपने हाथ से सदका देने के बजाय अपने किसी खिदमत गुजार को उसका हुक्म दे, दे। क्योंकि ये भी हो सकता है हदीस नंबर सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव हजत रजी अल्लाह तहा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूल वसम ने फरमाया जो औरत अपने घर के खाने पीने से कुछ खैरात करे बशरतः कि उसकी नीयत घर के बिगाड़ की ना हो तो जो कुछ खैरात करेगी उसका स्वाब जरूरी मिलेगा उसके शोहर को भी कमाने की वजह से स्वाब मिलेगा ऐसे खजांची को स्वाब मिलेगा नीज किसी का स्वाब दूसरे के को कम नहीं करेगा तो करती है, तो है? अपने 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 वही पूरे नहीं होते ख्वाशें नहीं पूरी होती वो जो कहते हैं हजारों खाशें ऐसी हर पे दम निकले वो ही बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कुछ कम निकले ये अरमान पूरे नहीं होते तो सदका खैरा छुपा के लिए करने की तो नौबत ही हमारे माशरे में नहीं आती बहरहाल अगर बीवी शोहर के माल में से सदका खैरात करती है तो अजर शोहर को भी जाएगा और बीवी को भी जाएगा और अगर एक मालिक है और उसका उसका कोई कोई है है अकाउंटेंट और वो अकाउंटेंट पूरी सदाकत और अमानत के साथ वो सदका खैरात लोगों तक पहुंचाता है तो मालिक को भी जाएगा देने वालों को भी जाएगा बांटने वाले खजानची को भी जाएगा और मेरा रब बड़ा रहमान है किसी के अजर में कमी नहीं करेगा और सबको अजर देने के हवाले से वो हदीस भी दोहरा लो कि जब औलादें अपने वालदे के हक़ हाँ में सदका करती हैं तो वालदे को भी अजर दे दिया जाता है और बच्चों के अजर में भी कमी नहीं होती तो फौज शुदा अपने वालदे के लिए जब भी आप सदका और खैरा करें यानी जक़ात के बियंड आप जितना माल खर्च करें ना उसमें अपने वालदेन की नीयत अपने फौज शुदगान की नीयत जरूर कर लिया करें मेरा कदरदान शाकिरन अलीमा रब इनशा उनको भी दे देगा और मेरे और आपके भी जुमरे में उस अजुर्को जरूर शामिल कर लेगा बाब नंबर बारह सदका वही है जिसके बाद भी आदमी गनी रहे हदीस नंबर सेवन ट्वेंटी वन हजरत हकीम बिन हज़ाम रजी अल्लाह रवायत है वो नबी से बयान करते हैं आपने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और सदक़े की इब्तदा अपने अहलो अयाल से करो बेहतरीन सदका वो है जिसके देने के बाद देने वाला गनी रहे जो शख्स सवाल करने से परहेज़ करेगा अल्लाह ते बचने की तोफीक देगा और जो शख्स बे इख्तियार करेगा अल्लाह उससे भी बेनियाज कर देगा हदीस नंबर सेवन ट्वेंटी टू हजर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुतबा देते वक्त सदका देने वाले सवाल करने वाले और ना जिक्र करने जिक्र करने वाले का फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है क्योंकि ऊपर वाला हाथ खर्च करने वाला और नीचे वाला दस्ते सवाली है अल्लाह हमें खर्च करने वाला बना अल्लाह हमें जिसमानी और माली किसी लिहाज से अल्लाह कोई माजूरी और मोहताजी अल्लाह अपने अलावा हमें किसी और का मोहताज न करना अल्लाह देने वाला बनाना लेने वाला और मोहताज जो देते ताला हमें और खलूस अता फरमा एहसान करने वाला बना और उस नेकी को बचाने की फिक्र अता फरमा यहाँ जो नीचे वाले हाथ का तस्वुर बताया गया ना असल में बरकात और फ्यूज तो दोनों पार्टी को बता दी जाती है मांगने वालों को भी शरीयत ने तरीका सिखाया ना हदीस के अल्फाज आते हैं कि जब कोई शख्स सवाल करेगा और बगैर हाजत के करेगा यानी उसको जरूरत नहीं है अल्लाह ने उसको बथेरा दिया वह जैसे आज हमारे प्रोफेशनल बेगर्स हैं और बाकायदा एक माफी और भत्ता बन गया ये बेगरी एक शोबा पेशा बन गया तो जो बगैर किसी हाजत के सवाल करेगा वो क्यामत के दिन इस हाल से उठेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त की बोटी भी नहीं होगी तो अल्लाह ने दोनों को आदाब सिखा दी और वैसे बताया जा रहा है कि सदका इतना करो कि सभी कुछ ना दे दो कि तुम खुद वकीर हो जाओ और फिर तुम मांगने लग पड़ो अगर देने वाले हो तो देने वाले ही बन के रहो ऐसे ना हो कि देने के चक्कर में इतना दे दो कि फिर लेने वाले बन जाओ तो इसलिए भी ये तकबिला करके ये बात समझाई जा रही है और फिर ये जो कहा जा रहा है कि बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने अहलोयाल पर करो तो इसका तस्वुर आगे भी बात आएगी कि आप सल्हम ने फरमाया कि एक दिरहम वो है जो तुम अपने पर खर्च करते हो एक वो है जो तुम अपनी बीवी और अहलोयाल पर खर्च करते हो एक वो है दरम जो तुम अपने गुलाम पर खर्च करते हो और एक दिरहम वो है जो तुम अल्लाह के राम में खर्च करते हो तो तुम्हारा बेहतरीन दरहम वो है जो तुम अपने और अपने अहलो अयाल पर खर्च करते हो तो इसमें भी बुखल पसंदीदा नहीं है इसमें इसराफ और तबजीर भी पसंदीदा नहीं है अपने और अपने अहले खाना के लिए लेकिन इसमें बुखल भी शरीय का तरीका नहीं है बाब नंबर तेरह सदके के लिए तरगीब देना और उसके बारे में सिफारिश करना हदीस नंबर सेवन ट्वेंटी फाइव हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह तवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह वसलम के पास कोई सवाली आता था या आप किसी की जरूरत का सवाल किया जाता था तो आप क्या कहते थे साहबा इक्राम को आप फरमाते थे कि सिफारिश करो तुम्हें भी स्वाब मिलेगा और अल्लाह तसूल सल्लाह वसलम की जबान पर जो चाहता है जारी फरमा देता है सुरानिस शाह में भी अला ने इस तस्वर को फरमाया ना अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई नेकी की सिफारिश करेगा वो नेकी में अजर पाएगा और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो बुराई का अजर पाएगा सिफारिश दोनों किस्म की होती है किसी की हक तल्फी की जुल्म की ज्यादती की किसी नाल के जॉब की तकरूरी की ये सारी सिफारशें जो है ये जुल्म ज्यादी नासाफी और हक तल्फी की सिफारशें ये पसंदीदा नहीं है लेकिन अगर किसी हकदार को उसका हक दिलवाने के लिए किसी ज़रूरतमंद को मदद करवाने के लिए किसी मज़लूम की हाजत रवै करवाने के लिए सिफारिश की जाएगी तो वो बेहतरीन है उमदा है वो करना भी चाहिए और वही जो कुरान कहता है नावनब्री व तकवा वो नेकी और तकवा के कामों में ताउन है वो कर ना भी चाहिए और कुरान कहते हैं अगर तुम किसी की भलाई के काम में सिफारिश करोगे काम कोई और करेगा तुम्हें भी अजर मिल जाएगा इसीलिए रसूल किसी सवाली को देने से पहले सहाबिक राम जो बैठे होते थे आप कहते थे, तो तुम सिफारिश करो ताकि जब मैं इसको दूंगा तो तुम्हें सिफारिश की वजह से भी उतना अजर मिल जाएगी बिल्कुल वैसे अगर आपको मैं समझाऊ कि अगर मेरे पास कोई आ, मसला लेकर अपनी खातून आती है कि मेरा छत गिर गया मुझे तीस चालीस हजार दे दें और मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं है तो मैं उसको कहती हूँ मेरी एक सहेली है इनशाला जरूर मदद करेगी मैं उसको लेके वहां जाती हूँ उसकी सिफारिश करती हूँ मैं कहती हूँ कि आई नो शी इज डिजर्विंग और ये झूठ नहीं बोल रही और ये वाकई ठीक है और वो पकड़ के उसको तीस चालीस हजार दे, दे देती है पैसे तो उसके खर्च हुए मैंने तो कुछ एक ढेला भी नहीं दिया लेकिन मेरी सिफारिश की वजह से मुझे उतना ही अजर मिल गया जितना खर्च करने वाली को तो नबी सलम का ये भी तरीका नजर आ रहा है कि आप लोगों को अपनी उस जन्नत के सफर में साथियों को साथ लेकर चलना चाहते थे हदीस नंबर हजरत बिनते बकर रजी अल्लाह से रवायत है कि उन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शाद फरमाया तुम अपने माल पर गिराना दो वरना तुम पर बंदिश कर दी जाएगी एक रवायत में यह है कि देने में शुमार ना रखो अल्लाह भी तुम पर शुमार करेगा और इसे मिलती जुलती आगे भी हदीस है बाब नंबर पंद्रह में हदीस नंबर सेवन ट्वेंटी फाइव हजरत इसमा रजी अल्लाह तहा एक और रवायत से फरमाती है कि रसूल ने फरमाया माल को सेंध सेंध के मत रखो वरना अल्लाह भी अपनी रहमत तुमसे रोक लेगा और जिस कदर मुमकिन हो खर्च करती रहो हज़रत इसमा बिन तबकर रजी अल्लाह तहा हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तन की बेटी थी और हजरत आयशा रजी अल्लाह की बाप शरीक बहन थी और ये हजरत ज़ुबैर बिन अवाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनको लकब मिला था ना हज़रत सफ़िया के बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी के बेटे हजरत ज़ुबैर बिन अवाम की बीवी हैं तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की जौजा मोहतरमा लेकिन माली तंगी बहुत ज़्यादा थी घर में इनका पता चलता है कि यहाँ तक मेहनत मशक्कत करती थी घर का सारा काम काज करती थी और हजरत ज़ुबैर के ऊँटों के लिए दूर से जाके खजूर की गुठलियाँ उठाकर लाती थी और ऊंटों की खिदमत भी करती थी उनको पानी चारा भी डालती थी और ये गुठलियां पीस के इनको ऊंटों को देती थी तो बड़ी मेहनत मशक्कत और तंगी और फाका की जिंदगी इसमें भी जब देती थी तो आप सल्ला अलैहि वसल्लम ने माल की बढ़ोतरी और उसकी फिक्र के तकाजे पे जब ये मामला फरमाया क्योंकि हदीस का वादा है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कसम है उزاد की फवल नज़ीब यदि ही नफसी कसम है उसकी जाद की जिसके हाथ में मेरी जान है सदका करने से माल कम नहीं होता और माफ़ करने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि तवाजो यानी आजी करने वाले के दर्जात अल्लाह बढ़ा देता है अल्लाह हमें असाद अमीन की सच्ची जबान से कसम खा कर बताई हुई इन बातों का यकीन और ईमान कामिलता फरमाए और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी के खाकों में रंग भरना हम सब के लिए आसान बनाए रबाला तुझे तना वहाब लना तुन का रोकमा अंतुल वहाब سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين ثم